शेरल जान एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम निहायत इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। शेरल जान कई बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक जिनमें रमजान एंड सन्स, SSS फिल्म प्रोडक्शन और कई बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो वक्त की है। जब ही तो साफियों को उनके इंटरव्यू के लिए महीनों पहले वक्त लेना पड़ता है। इनकी जिंदगी को इतने आसानी से समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनकी जिंदगी के चंद पहलू। दरअसल ये है कि आज हमने एक जरूरी मिशन में निकलना है। कब निकलना है? वक्त आने पे मैं बता दूंगा कि कब, कहां और कैसे निकलना है। सर ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन सबसे पहले हम दो कप चाय पियेंगे। ठीक है, मंगा लेते हैं। खान, दो कप चाय लेकर आओ। अच्छा आप मिशन के बारे में कुछ तो मुझे बताइए। क्या मीटिंग हो रही है मुझे भी तो बताएं। वैसे मुझे आम लड़की ना समझो, मुझ पर एक बार भरोसा तो करो आप लोग। मैं चला के किसी ना किसी काम ही आऊंगी। आप बता दें चाय चाय हमारे मुझसे पहले। चलो अच्छा मीटिंग। अच्छा ओके, अच्छा मिशन। मैं आपसे एक बात बात करता हूँ। सही, मुझे भी शामिल करें। आप शामिल हो यार। अरे आप मुझे शामिल करें तो आपका मिशन इंशाल्लाह और आगे तक जाएगा, ये वादा है। ये भी ठीक है, बस चाय मजे की ये बात भी। मैं तुमको थोड़ी देर में फोन करूंगा। यार हम दोनों मिल जाएंगे तो शायद मिशन और आगे सक्सेसफुल हो जाएगा, इंशाल्लाह टीम अच्छी हो जाएगी हमारी। आप मुझे शामिल करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? जी 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 ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, कर लेते हैं कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपसे एक बात करनी है। जी बोलो सर। वो क्या है कि मेरे साला जो है वो बार बार आता है मेरे घर पर। तो क्यों आता है वो? सर वो रहने के लिए। कितने बच्चे तुम्हारे? सर दो, दो ही बच्चे। माशाल्लाह, अगर वो नहीं आता तुम्हारे घर में तो 8-10 बच्चे होते तुम्हारे। मैं आऊँगा, समझा दूंगा भाभी को। आप समझाएंगे मेरे को? हाँ मैं ही आके समझाऊंगा ना। ये नहीं आया करे तुम्हारे साथ? अच्छा सर, कोई आया मिलने के लिए? सर सर सलाम अलैकुम, आइए आइए बैठ। ये हमारी बहू है, आपसे मीटिंग बैठ। आपके पास एक जरूरी काम से आए। जी बोले बोले। आप शायद शेरा साहब? बिल्कुल, मैं शेरल जान। आप मोबाइल बड़े गौर से देख रहे हैं, मोबाइल में कोई खास चीज़? मैं मोबाइल फोन इसलिए देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे सबूत आपको।
दिखाइए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें जो सारी जायदाद नजर आ रही है वो सब देखें इसे और से ऑफिसर साहब, ये मुझे हासिल करनी है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन क्या कर रहा है, करप्शन कौन करता है, गैंगवार कौन है और ये सब चालबाजियाँ। शायद आप मालूमात करना है कि इनमें से ये करप्शन कौन करता है, गैंगवार कौन है, करप्ट कौन है, क्रिमिनल कौन है, ये सब कौन है, इन सब की जानकारी निकालनी आपको। इन सब की मालूमात आप मुझे देंगे। अच्छा, मैंने देनी है? वेरी गुड, जबरदस्त। ये जागीर भी मेरी है, ये जायदाद भी मेरी है, आपने इन सब के डॉक्यूमेंट्स मुझे देने। लोग मुझे गुंडा समझते हैं। नहीं, आप गुंडे नहीं। मैं गुंडा तो नहीं हूँ, लेकिन लोग तो समझते हैं ना। अब रौबदार पर्सनालिटी मेरी है तो मैं क्या? वो तो है, दिख रहा है। हाँ, अच्छे तो हैं, लेकिन कोई हमें जीने भी देंगे? अरे नहीं सर, आप जिएंगे। शेर हूँ लेकिन जंगल का नहीं हूँ। शेर है और दादा का नाम भी शेर है। वो शेर नहीं जो चीर फाड़ करता है, मैं वो शेर हूँ जो लोगों के काम आता हूँ। नहीं 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 नहीं, इनका क्या मसला है? इनका इनका कोई मसला नहीं है। ये मेरे साथ मीटिंग में आई है, पढ़ी लिखी है तो मेरी रहनुमाई करती है और मुझे अच्छा समझाती है। इसलिए आप नहीं करें? मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता होती, लेकिन ये मुझे समझाती है और मुझे इसीलिए याद कराएगी। मोरू में मेरी जागीर है और मुझे नहीं पता, और क्योंकि मैं कराची रहता हूँ इसलिए मेरा सारा निजाम बढ़ गया। आपकी फायर बढ़ गया और चढ़ गया। ये फाइल असली? हाँ, ये असली है और मैं भी असली और नस्ली। हाय हाय, मैंने ये फाइल देखी है आपकी। देख ली है? इसी बात पर मैं अपनी टोपी का तोहफा दूंगा। ये मैं अपनी मोहब्बत से देता हूँ, इसे रिश्वत मत समझना। नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्म है। जहन्नुम से तो सब डरते हैं। जहन्नुम फुल हो गया? बेईमानी चलेगी तो जहन्नुम फुल होगा। ये निजाम है अल्लाह का, बंदे वही करते हैं जिनमें उनको फायदा नजर आता है, लेकिन कायनात अल्लाह की है, वो सब जानता है। जी जी, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, पता तो है लेकिन गुनाह से तौबा नहीं करते। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। बस ये लोग ले दे में काश लोग सुधर जाए। ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये सब बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने कलम से कोशिश जारी रखेंगे। आपके कलम से लिखा हुआ हमारा बहुत सारा काम कर सकता है, क्योंकि आपके लिखारी में बहुत पावर है। जी जी, रिस्क है लेकिन मैं लिखूंगा। रिस्क से क्या, क्या आपकी नौकरी जा सकती है? लिखूंगा जरूर, लेकिन सच कड़वा होता है, ये बता दूं मैं आपको। बस दो पैग लगाओ और भूल जाओ। मैं पैग नहीं लगाता ना। पैग तो लगाना पड़ेगा भाई, क्या बोल रहे हैं आप? तो काम होगा, साइन भी हो जाएगा। ये अच्छी लॉजी ले गया आप। अगर ऐसे ही साइन कर दिए तो आप बढ़ जाओगे, आप अंदर हो जाओगे। ये आप अपनी बात छोड़े, चलो मैं इसको कुछ करता हूं। मैं उसको करें, अगर आप साइन नहीं करेंगे तो मैं तो जा रहा हूं भाई। बाबा बस, अरे आप कहां जा रहे? इधर आए। अरे इधर आए, बैठ जाए। क्या हो गया? आप मेरी बात तो समझते हैं, मेरी बात समझोगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसको साइन करना है आपको, और आप साइन करें जब जाके मेरा काम फर्स्ट क्लास हो जाए। बस शुक्रिया, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरा काम कर दोगे, और मेरा काम हो गया, और इसी एतमाद के साथ मैं आप पर आया था कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारा ख्याल रखेंगे। आप जब सबका रखते हैं तो फिर मेरा तो लाजमी रखेंगे ख्याल। मैं आपका अपना हूँ। साइन के बाद क्या मसला हो सकता? कोई मसला नहीं, अभी सारा काम। मैं लोगों ने तो मुझे पागल खाने भिजवा दिया था, अब पता ये रख लो और इनको जो है आप मेरे पास ले आइएगा फिर दोबारा। और ऐसा नहीं कोई मुझे उठाने का पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपको ये दे दिया, बस आप जाएं। एक से एक लोग मेरे पीछे पड़े हुए। आपने वो शाहरुख खान के एक डायलॉग सुना है ना कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। अब वो आपको भी नहीं पकड़ सकते बाबू साहब, वो तो फिल्मों का डॉन है, हम तो रियल डॉन है। उसके पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस है और मेरे पीछे दुनिया के 22 मुल्कों की पुलिस है।
पुलिस तो क्या, मेरे पीछे एजेंसियां हैं, सब अपने खाने के चक्कर में, पकड़ के मुझे अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में, नुकसान पहुंचाने। ठीक है, मैं आप मेरी बात समझे, मैं तो गुजरा हुआ ना सारे मराइल से और सब कुछ जानता हूं कि मेरे पीछे कौन कौन लगा हुआ है और सब मेरी जायदाद के पीछे आपका काम, मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरी जायदाद को हथियाना चाहते हैं, और कितनी जायदाद है मुझे इसका कुछ मालूम नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया कि तुम मेरी जायदाद के बारे में सारी मालूमात को बताओ करो, ताकि मैं उसके पीछे काम करूं और इन लोगों से जरा मैं पूछ ले रहा हूं। ये लोग मेरे पीछे इसीलिए तो हैं कि मेरी जायदाद को हथियार चो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आपके पास आने का मेरा मकसद है क्या, यही कि मेरी जायदाद मेरे पास रहे, मेरे आने वाले बच्चों के पास रहे, उनके काम आए, मेरी जायदाद को इस तरह लुटा नहीं सकता जो आए वो कब्जा कर ले और मेरी जायदाद दूसरों के हाथ चली जाए, मेरे बुजुर्गों की जायदाद, ऐसी बात नहीं, जिसको बटन सही करें आप ही खुला, जिसको मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाया, तो मैं ये जायदाद कैसे लोगों के पास जाने दूंगा, मैं डरा सहमा रहूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं शेर बनकर रहूंगा, शेर अल जान हूँ, शेर अल जान, और मेरी जायदाद पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये बात बस तुम्हें मेरा साथ देना, मेरी जायदाद को सामने लेकर आना है, कितनी जायदाद है कहाँ कहाँ है, पर इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप खड़े क्यों हो जाते बार बार, और जो कुछ मुझसे हो सके अच्छा मैं तुम्हारा करूँ, सही है, ठीक है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और इसीलिए मैं तुम्हारे पास चल कर आया हूँ कि तुम मेरा काम कर दोगे, मैं तुम्हें फोन पर बता रहा हूँ कि देखो मेरी जायदाद कहाँ कहाँ है, इसको गौर से देखो, मुझे खुद पता नहीं है, सब छानबीन ये सब मालूम आपको करनी है, आप मुझे बताएंगे जब जाके इसका तहफ़ होगा और मैं इस जायदाद अपने हाथ में रख सकूंगा, इस तरह तो मैं नुकसान में रहूंगा, मुझे जान से मार देंगे ये लोग, मेरी जायदाद छीनने के चक्कर में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे और मेरी जायदाद को लूट लेंगे ये लोग, ठीक ऐसा ठीक नहीं होना ठीक चाहिए, क्यों कि मैं आपके पास इसलिए तो आया हूँ कि मैं उनके लिए ऐसा बन जाऊँ कि वो मुझ पर वार करें, मैं उसका जवाब दूँ, नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं शेरल ज़रूर हूँ लेकिन नाजायज़ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ऊपर वाले ने मेरे लिए ये लिखा है ये जायदाद मेरी है और मैं इसको हासिल कर बस आपको तो इसको बताना है, निशानदेही करनी है और मुझे वाजिब करना है कि ये जायदाद तुम्हारी ये है, ताकि मैं उसके लिए कुछ सपोर्ट कर सकूँ, उसके लिए कुछ तहफ़ का काम कर सकूँ और लोगों को ये इल्म ना हो कि मेरी कौन सी जायदाद कहाँ है, बस मुझे इल्म हो और लोग मेरे पीछे ना पड़े, मेरी नुकसान नहीं पहुँचा, मेरी जायदाद कब तक, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ, इसमें आपकी भलाई है, मेरी भलाई है, मोहब्बत है, तो ये बात तो है, मैं अपनी जायदाद को हासिल कर रहा हूँ, बस लोग लोग जो कहते रहते हैं तुम्हारी जायदाद कौन सी है कौन सी है, मैं तुम्हारे पास इसलिए तो आया हूँ, आप मुझे बताएंगे ताकि मैं उनको जवाब दे सकूँ, कि मेरी जायदाद तुम्हारे पास आने का मकसद तो मेरा यही है ना कि मेरी जायदाद मुझे पता चले कि कहाँ आए कितनी है, ये आप ही बताएंगे, आपको किसी कुर्सी पर बिठाया है तो उसका फायदा तो इनको ऐसे करें, मैं आवाम हूँ और आपसे फायदा लेना, इनको ले जाए, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात है, हमारी पाकिस्तानी फौज जिंदा, बेफिक्र हो जाएं आप, फौज हमारी फौज है, अरे बेफिक्र हो जाएं आप, तुम जानते ना करें हम फौज के, यार क्या बात है आपकी, क्या उधर फौज हमारी जिंदा जबरदस्त, बिल्कुल जान भी हाजिर उसके लिए, ये मुल्क हमारा, अल्लाह हाफिज़, फौज हमारी और हम सब मिलकर इस मुल्क को दरक्षा बनाएंगे, इनको लेके जाओ, तो जानते हैं ना और कि हमें कितनी कुर्बानी से मुल्क हासिल किया और इसी तरह से हम मिलेंगे इंशाल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, और आप अगर काम सही तरह से नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी तेज हो जाएगी, ये बता दूंगा आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूँ, बस अब मैं बड़ी खुशी से जहाँ से जा रहा हूँ कि मेरा काम एक अच्छे आदमी के जरिए हो गया, अच्छा अब मैं चलता हूँ, जिंदाबाद। जैसे इसके ढूंढ रहे हैं इधर, इलाका तो यही है, इतने सारे घर है, उसे पता कैसे चलेगा कि उसका घर कहाँ है, किधर रहता था। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है,
हम यहाँ इलाका मकीनों से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। हाँ ये आइडिया अच्छा है, अल्लाह करे कि दो तीन दुकानदारों से पूछने के बाद पता चल जाए, वरना तो इतने सारे घर हैं कि पूछ पूछ के तो हमारा बेड़े गर्क हो जाएगा। ऐसे करते शॉप वाले से पूछ लेते हैं ना। हाँ हो सकता है कि उसका सामान इसी शॉप से जाता हो। आओ परवेश साहब। जी जी। अरे वाह वाह वाह, जर्नलिस्ट और गरीबों की बस्ती में। जर्नलिस्ट तो दफ्तर में होता है, अखबार के या टेलीविजन में, यहाँ कैसे आप? हम वो जर्नलिस्ट नहीं है जो एसी रूम में बैठ के खबरनामा नशर करते हैं, हमारे और भी बहुत से काम ग्राउंड रियलिटी पे जाके लोगों को देखते हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ इस मामले में आए हैं कि एक आदमी जो नीचे से ऊपर गया है, तरक्की की है, उसका नाम है शेरल, क्या आप उसको जानते हैं? जितना मैं जानता हूं शेरल के बारे में, उतना तो वो खुद भी नहीं जानता, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट अफसर शकील हूं। मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप क्या करना चाहते हैं उसकी जिंदगी पे, मैं समझा नहीं। ये अगर हम आपको वक्त से पहले बता देंगे तो आपको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। चले बाहर हाल, जब आप मेरे इलाके में आ ही गए हैं तो एक कप चाय हो जाए। जी बिल्कुल, अगर आपके रियल पैसे का हो तो। सेम टू यू, आपका लिफाफा भी मुझे याद है। अच्छा आपको एक बात बता दूं मैं, कि जो जर्नलिस्ट होता है, मतलब असल जर्नलिस्ट होता है, वो ग्राउंड रियलिटी पर काम करता है, तभी आवाम के सामने आता है कि रियलिटी है क्या। समझिए बाप। मैडम तुम अपना काम करो,
हमें अपना काम करने दो और बातों में कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। चले आओ। जी सर। ये अखबार वाले शेरा के बारे में इतनी मालूमात हासिल क्यों करना चाहते हैं? इनका कोई जरूरी मकसद होगा। नहीं, मैं तो समझ रहा था कि ये अपना मीडिया हाईलाइट करने के लिए, अखबार बेचने के लिए कोई मामलात कर रहे हैं। सर, ये इससे भी ऊपर की बात है। लालची लोग हैं, बगैर किसी मकसद बगैर किसी वजह के काम नहीं करते। तुम्हारा मतलब है कि ये उसे ब्लैकमेल करेंगे? ब्लैकमेल करेंगे और उससे ठीक ठाक माल निकालेंगे। चलो हम भी देखते हैं इनके पीछे कि ये कहां तक भागते हैं। ये घसीटे ना घसीटे हम इन्हें जरूर घसीट लेंगे। आ जाओ। ये ले, बात करें। हाँ, सलाम अलैकुम। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ चल चल, मैं बात करता हूँ। मैं भाई से बात करके तुझे बताता हूँ, ठीक है? क्या लोग हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, आप थके हुए लग रहे हैं, खैरियत? सलीम शेख आपका ही नाम है? मेरा नाम है शेरल जान। को जानते हैं आप? शेरल को तो छोड़े, पहले आप बताओ कि आप क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में। एक सोशल वर्कर हूँ, दूसरा अखबार नवीस। मेरा प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और ये मेरी सेक्रेटरी हैं सपना। और हम शेरल के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इनिशियल नीचे से ऊपर कैसे आया। हम उन पे फीचर लिखना चाहते हैं, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया। उनकी ज़िंदगी पर आप पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चले कि ऐसे से ऐसे कैसे हो, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले ना। देखे, ये कोई छोटी बात नहीं है, ना इतनी मुख्तसर सी बात है कि मैं आपको बताऊँ और ख़त्म हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज सिद्दीकी। परवेज, परवेज भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आपका रिस्पेक्ट करना मेरा बनता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये इतनी सी बात नहीं है कि मैं आपको यूं बताऊं और यूं खत्म हो जाए। किसी को जर्रे से आफ्ताब बनने में कितना टाइम लगता है, तो ये बताने के लिए आपको तफसील से बताना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि वो था क्या, कैसे बना और क्यों बना। सर, काम का बंदा लग रहा है। तो फिर क्या कहती हो? सर, अगर आप हमें तफसील से बताएंगे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, हम बाद में आ जाएंगे। नंबर? मैं नंबर किसी को देता नहीं हूँ, बहरहाल। जी सर, थैंक्स। ये सेफ का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चले फिर, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह अजीज आपको बहुत सारी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। शेरल की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री इतना आसान नहीं है, बड़ी जतन की है शेरल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शेख? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर पहले ये जो खातून और ये जो लड़का तुमसे जो मालूमात ले रहे थे, क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? आप अफसर लोग हैं और मैं बताता चलूं कि वो जर्नलिस्ट अखबार के लोग हैं, और आए थे मेरे पास कि हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, हम आपसे बाद में। मालूमात लेने की वजह? वजह मालूमात किस बात की ले रहे थे? थोड़ा सा इशारा दे दूं कि वो एक छोटा सा आदमी हो के इतना बड़ा आदमी कैसे बना, कैसे? तफसील के लिए मैंने उनको बाद में डाल लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? ये अखबार वाले, मीडिया वाले दूसरे की जिंदगी में
क्या मजा मिलता है कि पहले आदमी पहले क्या था, अब क्या है और क्यों है, कैसे है, ये कानून का हक बनता है। और अगर हम मीडिया वाले से कुछ कहते हैं तो वो भी अपना कहते हैं कि हम मालूमात कर रहे हैं, जबकि ये मालूमात पुलिस वाले ही करते हैं और पुलिस वाले को ही करना चाहिए, लेकिन ये मीडिया वाले अपने ही कहानियाँ और अपने ही बस कुछ लेन देन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस वो ये मालूमात लेते क्यों हैं? हाँ, वो अपने चक्करों में लगे रहते हैं और कुछ बनाने के लिए लिफाफे वो छोड़ने के लिए, और क्या चाहिए उनको, बस यही के एक से हाथ मारना दूसरे से हाथ मारना, यही उनका काम है। बस आप क्या कह सकते हैं? जब मीडिया वाले आएंगे तो आप हमें बताएंगे, बताना पड़ेगा आपको। आप कौन हैं और हम कौन हैं? हमें आप बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे या हम आपको, आप हमें जानते नहीं क्या, हम कौन हैं? हम कौन हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई ठंडा, कोई लस्सी, कोई आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं थाने जब आते हैं तो आप हमें बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े चाय पिलाते हैं और बहुत ही ऐसी कोई बात नहीं, जो हम चाहते हैं वो हम आपको देंगे, लेकिन एक बात है कि बस हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे साथ बस हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप चलते हैं, चलो ठीक है, हम चलते हैं ना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जो लड़की थी उसके साथ मैंने देखा कि वो नंबर वगैरह आप नंबर वो मुझसे मांग रही थी, लेकिन मैंने उसको नंबर दे दिया। अब वो क्या करे, मैं हाँ मैंने दिया उसको नंबर, उसने नंबर मुझे ही के, कोई नहीं, चलते हैं ऐसे ही बस। आप हमें तो बता दो कि हम क्या हैं, हम आपको बताएं कि तुम क्या हो। ऐसे तो कभी हमने कभी किए ही नहीं। हम आपको बता दें कि हम क्या हैं और तुम हमें बता दो कि तुम क्या हो। अबे जा, चल निकलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया शेरल जान से मिलना था। शेरल जान से मिलना है? बैठे बैठे शेरल जान से मुलाकात हो जाएगी, पता ही होगा। बैठे बैठे साहब मिलने के लिए आया था, आपसे जरूरी काम था। ये वो बाइक है जो मैंने तुम्हें दिलाई। जी साहब। अब मेरे को ये बता कि ये मुखबरी किसने की? साहब मुझे तो नहीं पता। बाबा का मुखबरी किसने किया है? आपका नमक आया है, नमक हराम नहीं हूँ साहब। अरे कारिया इधर आ। जी भाईजान। तू क्या रहमान के साथ था? अरे भाईजान मैं शाहिद के साथ। तो फिर शाहिद ने क्यों बताया कि बाबा को मारा? नहीं, वो मैंने शाहिद को बहुत समझाया था कि रहमान को ना मारो, लेकिन उसने आसरा नहीं किया। तो शाहिद ने क्यों बताया कि तूने बाबा को मारा? ठीक, मुझे भी तो पता चले, मैं पूछता हूँ उससे। नहीं, तुम बताओ मुझे, जैसे भी हो। मैं पता करता हूँ। हाँ, ये मालूम करके मुझे बता। ना ठीक, कान खोल कर सुन लो, सही बता रहे। हाँ ठीक, फौरन बताओगे? ठीक है।
भूलोगे नहीं। बिल्कुल। बस ठीक है जाओ। अगर नहीं बताया ना तुमने, तुम सुनो मेरी बात को, तुम इसके साथ रहो। ये जो काम मैंने इसके सुपर किया है वो ठीक करता है या नहीं करता, सलाम अलैकुम, ये तुम्हें मुझे बताना है और हर बात को निगाह में रखना है कि कौन क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये किससे मिलता है और ये उसको मुझे मेरे पास लाता है या नहीं लाता है, ये तुम्हारा काम। और तुम भी कान खो कर सको, तुम्हें जो मैंने कहा है बिल्कुल उसको पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल जाओ तुम। ओके जाओ जाओ। ओके हाँ हेलो जाओ ठीक बस अब जाओ। ठीक है तवज्जो से काम चाहिए देवर, फिर देखता हूँ क्या होता है। मैं कौन हूँ? शेरल जान हूँ मैं। बड़ी मेहनत की मैंने इसे लाके, जब जाके मैंने अपना नाम बनाया, लोगों के दिल में मैंने जगहें पैदा की, इज्जत पैदा की, लोग मेरा ख्याल रखते हैं इसलिए कि मैं उनका एहसास करता हूँ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक काम करता हूँ, समझे ना। इस तरह नाम इस तरह नहीं होता है, बड़ी मेहनत से। बिल्कुल शेरल साहब, तुम्हें कहने का मकसद ये है कि तुम लोग भी अच्छे अंदाज से काम करो, मेहनत करो, बिल्कुल लोगों के दिल जीतो, लोगों के काम आओ, जब यही लोग तुम्हारे काम आएंगे। ये मेरा रहमान का बेटा है, रहमान का बेटा, इसको मैंने मोटरसाइकिल दिलाया और ये बहुत काम करता है, इसने सारे बिल्कुल आपने इसको इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल दिलाया। हाँ, इसीलिए कि इसने सारे मुकरों का मुझे पता दिया है, एक एक बात की निशानदेही की, ऐसे ही होना। ये जिस तरह काम करता है, तुम लोगों को भी काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल जब जाके इज्जत बनती मेरे दिल, बिल्कुल मेरे दिल में और लोगों के दिल में, लोग जानते हैं। बिल्कुल इस इलाके में मुखबिरी नहीं होनी चाहिए। इधर आओ, तुम मुखबिर है ना तुम, हाँ मुखबिर है तुम। जाओ तुम इसको लेके जाओ, तुम जाओ इसके साथ और मुखबिरी करो, सही करके मुझे बताओ कि कौन क्या कर रहा है। जल्दी शाबाश अरिया। तेरा क्या होगा कारी, मुझे नहीं बता सकता, मैं बता सकता। कारिया बैठ मुझे बता। अच्छा लेकिन तू मुझे बता कि जानी के लिए जानी को जान को भी ढूंढ लूंगा सर, आपके ऑर्डर चाहिए आप। बिल्कुल मेरे सामने लेकर आ, जान जानी दोनों मिल जाएंगे आपको, शेर जान के साथ ही। बिल्कुल दोनों को ढूंढ मेरे पास। ठीक है सर, और जल्दी काम के। ओके सर शाबाश। ओके शाबाश। जी 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 चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आपका काम भी हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे अपने बंदे के डॉक्यूमेंट्स वो भिजवा दें, मैं उसका काम कर दूंगा। जी जी बेफिक्र रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Yes, thank you. Assalamu alaikum. अरे वालेकुम सलाम। और सुनो कैसे आना हुआ? ये आपको पता है वो मोहल्ले वाले जो है वो उस पे परवेज और लड़की पे, हाँ उस पे वो एतराज कर रहे हैं कि ये रोजाना पूछ गुछ के लिए आते हैं, ना कोई काम ना कोई धंधा, बस यही की इंक्वायरियां कर रहे हैं। ओ, मैंने अपने बंदे की ड्यूटी लगाई है, आप घबराए नहीं, जैसे भी कुछ होता है मैं इतना कर दूंगा। हमें सिर्फ ये करना है मालूम कि उनका मकसद क्या है, उनका मकसद क्या है, क्यों शेरल के बारे में मालूम करना चाहते हैं, उसके मुताबिक मालूम करते फिर रहे हैं। असल क्या है? असल में हर बंदे को कोई ना कोई फायदा होता है तभी वो काम करता है। मैं तुम्हारी बात समझ भी रहा हूँ, लेकिन ये बात, ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नहीं तो उसके बगैर भी अगर ये हो सकता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे लगता है कि ये गड़बड़ कुछ करने वाले हैं। तुम घबराओ नहीं, इससे पहले भी कभी, तुम आराम से जाके सो जाओ घर में, बस बाकी मुझ पर छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं,
ऐसा नहीं कि ये लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि वो क्या मालूम करना चाह रहे हैं, वो शेरल के बारे में मालूम बात करना चाह रहे हैं। नहीं, असल में ये लोग लिफाफे और इन चीजों में बड़े इन्वॉल्व हैं। ऐसे नहीं ये लोग के कोई झूठी खबरें लगाएं। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना तुम आराम से जाओ और ऐश करो बस। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।
सलाम सर। हाँ भाई कैसे हो? सर आपके साथ एक सेल्फी बना सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल आओ बिल्कुल। ये शाबाश, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई सर, सर 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 अगर आप बिल्कुल हाँ ये गुड सर। वाह शुक्रिया सर। अच्छा तुम बिल्कुल शुक्रिया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हम एक ही हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी टीम है, सब टीम है, हम एक होकर इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बाबा साहब वालिक साहब बाबा ठीक है खुश है। हाँ भाई ये कितने का है? ये खान साहब। और ये ये जी, ये अच्छा है, ये अच्छा दे देंगे आप, ये देखता हूँ, एक ये भी रखो, ये भी रखो, और ये हाँ हाँ ये भी ठीक है, ये उसको भी ये रखो अच्छा, ये भी अच्छा है, अच्छा है, और ठीक है, नवा तो ये भी अच्छा है, कैप सारी अच्छी है इसके पास यार, सब बनी है। सर वो भी आप देखिए। हाँ बिल्कुल देखता हूँ, हाँ बिल्कुल देखता हूँ। ये देखो कैसी लग रही है, मुझे बड़ा शौक है, अच्छी लगती है, डबल डबल पहन ली, ये भी रखो, ये भी रखो, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इस मोनो अच्छा है, सबको दिखाते हैं, मैं अब देख रहा हूँ बताता हूँ, ये रखो तुम, ठीक है सर, माशा जी, अब मैं और आगे देखता हूँ सर, मैं काफ़ी खरीदा ये, अल्लाह करे भाभी को भी कुछ पसंद आ जाए। ये बताओ, ये बताओ कितने की? यहाँ ये सर कोई मसला नहीं है रेट का सर, आप रखो इसको और मैं और देखता हूँ वो चीज़ अच्छी लगी, तुम्हारे पास चीज़ अच्छी है। अच्छा ये सर मुनासिब प्राइस है सर आपके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ अच्छी चीज़ रखती हूँ, आता तुम्हारे पास जो हमेशा जब भी मुझे लेना होता ना तुम्हारे पास आता, बच्चों की भी लेनी होती है, दोस्तों की भी लेनी होती है, दोस्त हैं हम सब पहनते हैं, अच्छी लगती है। अब ये तुमको बता रहे कि ये कैसी है कौन सी है, वाह वाले बहुत शुक्रिया, खुश रहो और मेरे लाइफ को काम हो हाजिर हो, जब भी कोई काम हो मुझे पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे लोग हो तुम लोग, एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट करते हो, एक दूसरे के काम आते हो, ये हमारे तुम आते हो। अच्छा, तुम मेरे साथ आ, मेरे पास आना, ठीक है ठीक है, आ सर, हाँ सर, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, आओगे सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, मसला नहीं। जाओ गोलगप्पे वाले, गोलगप्पे यहाँ रखो, यहाँ रखो शाबाश, और तुम भी जाओ जाकर चाय पियो। हाँ भाई आओ गोलगप्पे खाओ, कल यहाँ गोलगप्पे खा रहे। हाँ बस मेहरबानी, थैंक यू सर। अरे खा यार मेरे साथ। नहीं बस क्या एक जानी को ठहन दिया मैंने, मैं जाके जानी के पास जाता हूँ और उनको लेकर आता हूँ। बस जल्दी से लेकर आ। आओ भाई आओ, शाबाश आओ, उधर बैठो बैठो बैठो, और क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, बैठो बैठो शाबाश, बोलो कैसे आना। असल में कुछ साफी आपको ढूंढते फिर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही, आप लोग भी शेरा भाई को बताओ क्या कहानी है सारी। असल में कुछ मीडिया वाले आपको ढूंढते फिर रहे हैं, पता नहीं उनका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं वो, क्यों आपके खिलाफ बातें करते फिर रहे हैं, क्या मालूम बातें करते। हाँ जानता हूँ मैं, मुझ पर बहुत से लोग लिखना चाहते हैं, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े राइटर,
उस पर कहानी लिखना चाहता है मुझ पर, और बहुत फिल्म या ड्रामा या कुछ ऐसी सकावत के हिसाब से मालूमात देना चाहता है कि शेरल क्या चीज़ है, शेरल कौन है, शेरल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं लोग बाग, वो सब लिखना चाहते हैं मुझ पर। भाई वो क्या मालूम करना चाह रहे हैं आप लोग भी? मेरी मालूम क्या है, शेरल है कौन, शेरल है कौन, शेरल जान क्या है, क्या करें? बिल्कुल समझ गया। बड़े बड़े इदारे यही मालूम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि शेरल कौन है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या कर रहा है, क्या करता है, और ऐसा क्या करता है कि लोगों के दिल जीतता है, ऐसा क्या करता है? ये देखो ये ऑफिसर है, इसको भी मैंने ऑफिसर बनाया, ऑफिसर बहुत से लोगों को इंस्पेक्टर बनाया, SHO बनाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया उनसे, उनकी मेहनत देखा, उनकी मोहब्बत देखा। देखो ना ये वो, इसको भी मैंने ऑफिसर बनाया है, और ये जानता है इसको किस तरह मैंने काम किया, इसको पता है इंसान इसी इसको हासिल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वो कालिया की तरह कालिया कालिया इधर आओ। जी सर, जी सर, जी सर, इधर आओ। ये कालिया कालिया है, जान जानी, जान किधर है जान, लेकिन ये जानी है, ये जानी है, क्यों जानी? बिल्कुल, तुम जानते हो ना कैसे काम होता है, ये कैसे लोगों के दिल जीते जाते हैं, किस तरह बेलोस काम किया जाता है, जब जाके इंसान के दिल में जगह बनती है। शेरल जान ऐसे थोड़ी कहते हैं, शेरल के साथ जानती है, नाम मेरा शेरल है, लेकिन मुझे जान कहते हैं, अपनी जान के करीब। ये मोहब्बत है लोगों की, ये लोगों की मोहब्बत है। अब तुम्हें भी मेरी तरह इस तरह जिंदाबाद होकर काम करना, बताना है कि कैसे मोहब्बत होती है, कैसे मेहनत होती है, और कैसी मेहनत से लोगों के काम आना पड़ता है, दिल जीतना पड़ता है। ये इलाका जो है ना, इलाका ऐसे नहीं बनता है, लोगों के इलाकों में घुसकर काम करना पड़ता है, उनको एहसास दिलाया जाता है कि मैं हूँ, मैं शेरल हूँ, तुम्हारी जान हूँ। क्या बात है सर। और ये, और ये कालिया, ये कालिया, इस कालिया ने मेरी बड़ी मेहनत से काम किया है, जो काम मैं इसको देता हूँ ये काम करता है, बहुत मेहनती है ये, मेहनती तो जितनी तारीफ करूँ कम है, तुमको यही कहना चाहता हूँ। और ये ऑफिसर जो है, इसने भी मेरी हर बात को माना, हर बात तुम्हारा है, जो जो मैंने कहा, लेकिन मैंने कोई काम गलत नहीं कहा, ये गलत नहीं, हमारे मुल्क के लिए बेहतर काम होगा, हम वो करेंगे जी। और ये लोग मेरे काम आए, क्योंकि वाकई मैं दिल से कदर करता हूँ, बिल्कुल, जिस तरह लोगों के दिल में मेरे लिए इज्जत है, इस तरह मैं भी इन सबकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, खुश होता हूँ कि मेरे कहने पर चल कर मेरे लोगों के काम आते हैं, बिल्कुल। अब ये इस तरह से थोड़ी होता है कि हम काम ना करें और दिल जीत लें, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है लोगों के। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, किधर है, ठीक है यार, ठीक है अब्दुल भाई, ये जो राह चलते लोग सलाम करते हैं, ये ऐसा थोड़ी करते हैं, आपको क्यों नहीं करते? वो क्या है कि हम कहाँ इतने काबिल हैं आप? काबिल की बात नहीं, काबिल हो या ना हो, काम करो लोगों के, दिल जीतो उनके, काम आओ, जो उनकी जरूरत है उसको पूरी करो, जब जाके हम अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए एक सेहत अफजा काम कर सकते हैं, उनको एहसास दिला सकते हैं, तुम गलत अकेले नहीं हो, बिल्कुल तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ, ये करो, वो करो, फलाना करो, इस तरह करो, जब जाके वो खुश होते हैं, वो समझते हैं यार हमारा कुछ है, हमारा ख्याल रखने वाला कुछ है, जानी से मैंने काम लिया, ऑफिस से मैंने काम लिया, जान है उससे मैंने काम लिया, वो मेरे काम करते हैं, जब काम करते हैं तो लोग इनकी भी तारीफ करते हैं, और ये देखो किस तरह मेरे पास आकर वापस बैठते हैं, तुम लोग क्यों आते हो? बिल्कुल सर, आपकी बात ही कुछ और, इसीलिए तुम्हारी बात बहुत अलग है, जितना मैं समझाता हूँ बहुत आसाता है। अब ये सरा थोड़ी होता है क्या? अब मैं अपनी बात बताता हूँ, हम जो हम काम करते हैं ना, उसमें यही बात अव्वल है कि हम बेलोस हो जाएं, खिदमत गुजार हो जाएं, दुनिया आज है कल नहीं है। शुक्र है सर, इतनी ख्वारी के बाद एटलीस्ट एक नंबर तो हाथ आया हमारे। हाँ ठीक है, लेकिन वो आदमी मुझे पता नहीं अजीब सा लगा, वो
उसके बारे में सही तफसील देगा कि नहीं देगा, वो थोड़ा अकड़ू टाइप का लग रहा था। सर वो शेरे का आदमी और बड़ा खास आदमी, अकड़ तो बनती है उसकी। चलो अल्लाह करे कि वो सही सही बता दे। ऐसे सर मुझे कब कॉन्टेक्ट करना चाहिए सर? थोड़ा सब्र कर लो, 2-3 दिन बाद उससे बात करेंगे, जरा तरीके से तफसील से करेंगे बात। ओके सर, अब ये फाइल चेक करें, कल भी मैं आपको देना भूल गई थी और देखिए ये काम नहीं है। ठीक है, ओके सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम एसएचओ साहब। जी जी, कैसे आना हुआ? शुक्रिया, मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं नोट कर रहा हूँ कि कई दिनों से आप किसी की मालूमात कर रहे हैं, कहीं गली में, कहीं ग्राउंड में जाकर, कहीं सड़कों पे, आखिर ये सब बात क्या है, मामला क्या है, ये बात समझ नहीं आ रही मेरे को। कुछ वजात करेंगे आप, बताएं मुझे। सर कानून को बताएं कि हम क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। मीडिया, अरे मीडिया तो कानून की तहकीक कर सकता है, मीडिया को आज़ादी है और मीडिया का कलम आज़ाद हो तो हर कोई रगड़े में आ सकता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि किसी के बारे में मालूमात करना कि कौन आदमी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये काम तो कानून का है ना, तो आप लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप गलत जगह पे आ गए, हमने हमेशा सच्ची और बेबाक खबरें लिखी हैं और हमें लिखने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मीडिया आज़ाद है, आपको पता होना चाहिए इस बात को, समझे आप? नहीं नहीं, मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बात है कि कुछ लोग मीडिया का गलत फायदा उठाते हैं, उसको गलत जगह लेकर चले जाते हैं, इंसान की सोच बदल देते हैं। सर आप हमें ये बताएं कि आप अपने किसी भी केस की तहकीकात कंप्लीट होने से पहले हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे भी कोई मालूमात दे कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग तो मुझे भी खुशी होगी, बताएं कुछ। वक्त आने पे हम आपको बता देंगे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं चाय वगैरह पेश करूं या? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया जी शुक्रिया, मैं चाय बाहर जाके पीऊंगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ चाय पी और यहाँ पर आपने जो खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं तो उसमें ये जाहिर हो जाएगा कि मैं चाय पानी वाला हूँ। देखिए सर, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। सर बैठ जाएं, हमारी भी हलाल पैसों की चाय पी लें। ठीक है, मैं जाना चाहूंगा, खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे हो? हाँ या मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, प्रेस रिपोर्टर भी है, साफी भी है और ये जासूस भी है और इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या मालूमात लेने आए हैं मेरी, क्या जानना चाहते हैं उससे, क्या मेरे मुताबिक क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन इनसे बात करता हूँ। हाँ भाई, क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं? शेरर भाई, मैं तो ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है ये क्या मालूमात कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये मैडम हमारे लिए मालूमात करती रहती है, हमारे इलाके में वो सबसे मालूम करती है, हम पर कुछ लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहती है। तो मैं पता है कि इसको कितनी मालूमात हासिल हो गई है, मैं जानता हूँ भाई, किस किस से नहीं मिलती है, किस किस से नहीं मतलब है कि मुझे पुराने इलाके हुई है इनके बारे में, वहां भी इसने बड़ी मालूमात हासिल की, बहुत कुछ लिखना चाहती है, पूरी किताब लिखना चाहती है मेरी मालूमात की, लोग ही बताएंगे मेरे लिए कि मैं कौन हूं, मैं नहीं बता सकता, मैं तो खुद हूं तुम्हारे सामने, पढ़ो मुझे, देखो मुझे, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये मैडम जो कुछ मालूमात कर रही है, और इनके साथ है सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब बड़े खामोश तबाह हैं लेकिन ये बहुत अंदर से कह रहे हैं, ये मेरे मुतालिक जो मालूमात रखते हैं वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और ये इस मैडम की तो सारी मालूमात को
यही बताते हैं। लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी मालूमात क्यों हासिल करना चाहते हो? मेरे पीछे तुम लगकर क्या हासिल करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या वजह है? क्या हासिल करना चाहते हो? जानता हूं मैं। सब जानता हूं मैं कौन क्या करना है। क्यों सिद्दीकी साहब, मेरे मुतालिक तो तुमने बड़ी मालूमातें कर ली है। चलो समझ में आता है कि सरकारी लोगों के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो, मेरे लिए लिखना चाहते हो। अब देखो कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये मेरी छानबीन क्यों करता है? इसको क्या गरज है, ये बताओ मुझे। इस शहर में तो सब मेरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। उनको मेरी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है। सबको गरज है मेरी जायदाद से। क्यों सिद्दीकी साहब, सच बोल रहा हूं ना मैं? मेरी जायदाद से गरज है कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कितनी जायदाद है मेरे पास हासिल करने के लिए। अखबारी रिपोर्टर जानती है मुझे अच्छी तरह से। ये लोग सब जानते हैं, सब मेरी टोह में लगे हुए एक से एक मालूमात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दो बातें मेरी समझ में नहीं आती। इंस्पेक्टर को क्या गरज है? इंस्पेक्टर क्या चाहता है? तुम्हारी बात तो ठीक है कि तुम साफी हो, अखबारी रिपोर्टर हो, सिद्दीकी साहब की मदद से मेरे मुतालिक मालूमात कर रही हो, क्योंकि लिखोगी उस पर कुछ किताब या हो सकता है कुछ और भी लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ। अब ये देखो, ये जो मेरे पास है सिगरेट, सिगरेट का तो मैं शौकीन हूँ, सब जानते हो। ऐसे पीता हूँ जब सिगरेट तो नशा सा आ जाता है और फिर मैं अपने आप में नहीं रहता। लोगों के सुकून के लिए अपना काम ढूंढता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, समझे? और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी हैं हमारी गरज एक ही है। हम लोगों के काम आते हैं, उनकी गरज पूरी करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम जब उनके साथ होंगे तो उनका एहसास से कमतरी खत्म होगा, वो जिंदगी की तरफ लौट कर आएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा काम है। फिर उनकी जरूरत जो होती है तो उसको पूरा करना पड़ता है, जब जाके दिल में जगह बनती है। वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हमारी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन सब कोई गरज रखते हैं। हम अल्लाह को देखते हैं, हम अपने दिल से अल्लाह को याद करते हैं और उसकी खुशी के लिए लोगों के काम आते हैं। लोग गरज रखते हैं, मतलब रखते हैं, कुछ पाने के लिए खोते हैं, यानी कि अगर उनसे कुछ हासिल करना होता है तो फिर उनसे अपनी तरफ से कुछ हासिल करने के लिए उनका कुछ उनको बेवकूफ़ बनाकर और उनको अपनी लाइन पर लाकर फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी कोई गरज नहीं है, हम बेलोस लोग हैं, ईमानदारी से लोगों के काम आते हैं। हम जैसे लोग अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान बहुत शानदार आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस दिल में जख्म डालने पड़ते हैं, इस जख्म डालने पड़ते हैं। जो लोग हमारे दिल में जख्म डालते हैं हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर हम उनके लिए उठ खड़े होते हैं। ये हमारे मुल्क को तो नुकसान पहुँचा ही रहे, हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको सीधे रास्ते पर नहीं लाते हैं
उनको एहसास नहीं दिलाते हैं कि मेहनत करो, खुश रहो, एहसास करो, अल्लाह पर यकीन करो और आगे बढ़ो। इस तरह फालतू मायूस बैठकर कुछ नहीं होगा और वो लोग इनकी मायूसी से फायदा उठाते हैं। थोड़ी सी मदद करके उनके उनसे वो काम ले लेते हैं जिससे बाद में वो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं, हम बेलौस काम करते हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें थोड़ा टाइम इन लोगों के लिए भी निकालो, इनको भी तुम्हारी जरूरत है। मेरे ऊपर तुम लिख रहे हो क्योंकि तुम मुझे जानते हो, एक बड़ा आदमी हो। उन लोगों के लिए भी लिखो जो छोटे हैं, उनको भी सामने लेकर आओ, उनकी भी परेशानी, उनकी दुख, उनकी जरूरत सामने लेकर आओ। ये आप लोगों के लिए अव्वल है। अगर हम उनको एहसास दिलाएंगे, उनको सामने लेकर आएंगे, उनके दुखों को रोशनास करेंगे, तो यकीन मानो कि वो उनमें जिंदगी की लहर जाग उठेगी। वो मेहनत करेंगे, एहसास और मोहब्बत से ही मोहब्बत बनती है, वरना दुनिया तबाह हो जाती है। और हमें अपने मुल्क को देखना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जब इन लोगों की मदद करोगे, यहाँ के लोगों की मदद करोगे बेलोस होकर, तो फिर जाकर ये लोग पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में भरपूर हाथ डालेंगे, भरपूर काम करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। जब जाके हमारा मुल्क बनेगा, एक दूसरे की टोह में रहने से फायदा कुछ नहीं है। मजा तब है कि टोह में अगर तुम रहना चाहते हो तो उससे उसको फायदा भी तो पहुंचाओ। अगर तुम उससे कुछ मालूमात हासिल करते हो उसके लिए, तो ये देखो कि वो क्यों है, क्या कर रहा है, उसके हाथ बटाओ, उसके काम आओ, ताकि वो और अच्छे अंदाज से आगे बढ़े, लोगों की मदद करे, लोगों के काम आए। जब जाके हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं, वरना मैं अकेला इस दुनिया में क्या कर लूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये हाथ खाली नहीं होने चाहिए, ये हाथ भरे हुए होने चाहिए मोहब्बत से, एहसास से, लोगों के काम आने के जज्बे से। जब तक हम उनके काम नहीं आएंगे, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और इस कामयाबी के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत जो दिल से की जाती है, दिल से मेहनत करोगे तो तुम लोगों के सामने इज्जत पाओगे, और जब लोग इज्जत देते हैं ना किसी को, तो अल्लाह भी उससे खुश होता है, हमारा मुल्क भी तरक्की करता है, करप्शन, बेईमानी, झूठ, ये सब इस मुल्क से निकल जाते हैं। सच्चे दिल से हम आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए काम करेंगे, तो जाकर हम इस मुल्क की भलाई का कुछ ऐसा काम कर सकेंगे कि आने वाले लोग हमें याद रखेंगे और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी मेहनत सही होनी चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा। इधर उधर टामक टोइयां करके कुछ नहीं मिलेगा। काम आओ, लिखो मेरे लिए, लेकिन मेरे इन गरीब लोगों के लिए भी लिखो। तुम्हें कहता हूँ, जाओ ढूंढो उनको, बेताशा लोग तुम्हें मिलेंगे जो कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, खामोश सफ़ेद पोश रहते हैं, ज़रूरतमंद हैं लेकिन मुँह से नहीं कहते। ढूंढो उनको, सामने लेकर आओ, उनको उनकी मदद करो, उन्हें एहसास दिलाओ, जिंदगी का एहसास दिलाओ। जब जाके तुम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हो, उनकी दुआओं से ही तुम फल फूल सकते हो, वरना ये जिंदगी बेकार 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 सा एक वजूद है जो आज आया कल चला गया। मेरे दिल के अंदर भी जो चीज़ है, झाँको इस दिल में झाँको, कितने लोगों की तड़प है, कितने लोगों के लिए रोना है, ये खून रोता है मेरा। उनको देख कर मैं बता नहीं सकता कि मैंने किन किन लोगों को किस हालत में देखा है। तुम देखो तो तुम आंखें बंद करके निकल जाओ,
लेकिन मैं उनके काम आया हूँ, उन्हें उठाया है मैंने, एहसास दिलाया है मैंने कि हाँ उठो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं जैसा करता हूँ तुम वैसा करो, जब जाके हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। इस तरह नहीं कि हम दूसरों की मालूमात करें और उससे नाजायज फायदा उठाएं, मस्बत काम करो, रिपोर्टर हो उनकी रिपोर्ट लिखो, साफी हो उनके लिए लिखो, कुछ करना चाहते हो उनके लिए करो, कुछ छानबीन करना चाहते हो, मालूमात हासिल करना चाहते हो तो उनके लिए करो, उनको एहसास दिलाओ, उनके लिए सहारा बनो। बहुत से लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? बोलो, यही तो बात है, जब वो लोग दूसरे के काम आने के लिए काम कर रहे हैं, बेताशा लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोग पीछे रहे? हम अपने लोगों के लिए काम नहीं आए? लोगों के काम आना है इबादत है। तुम अपनी सखावत को धंधा मत बनाओ, कुछ काम आना चाहते हो सच को सामने लेकर और सच को रोशन करो। बताओ, हम इसे ढूंढते फिर रहे हैं और ये पूरी कहानी हमारे ऑफिस आके सुना के चला गया। सर, ये शेरल था। हाँ, शेरल था ये। Oh my God, sir, he's very interesting. मुझे इसमें स्टोरी लिखनी है सर, मुझे इसमें स्टोरी लिखनी है। जिंदा रहोगी तो लिखोगी ना? कैसी धमकियां देके, क्या देखा नहीं तुमने? सर, आपने महसूस नहीं किया उसकी स्टोरी में कितना दर्द था, कितना थ्रिल है सर, बहुत जबरदस्त स्टोरी बनेगी। तुम चाह रही हो कि उसका दर्द हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाए? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, आप एक साफी है, आपको दर्द तकलीफ सब चीजों से जूझ कर आपको कहानियां लिखनी है। सही बात है, सही कह रही हो तुम। सर, हिम्मत करें सर। इसने तो आधी कहानी सुनाई है मगर ये नहीं बताया कि ये नीचे से ऊपर आया कैसे। यही सर, यही यही तो पूछना है सर। मुझे तो लगता है ये ना एग्रेसिव किस्म के है और इनसे मैं कर सकती हूँ सर। चलो, मैं करूँगी इंटरव्यू। चलो ठीक है, अब चलते हैं, दूसरे असाइनमेंट पे भी काम करना है। चलो उठ जाओ, करते हैं। चलो, और भी काम है। उठो। हाँ हाँ, चले चलो। जी जी जी। यार आप बहुत बुरे लग रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे तो सब बुरे लग रहा है। क्या हो गया, क्या हुआ, खैरियत है? हेलो, मैं देख लिया आप अच्छा रोते, क्या हुआ है? जितना दुख है उतना रो रहे तो मुझे। तेरा स्टाफ आ गया, उतर गया, बोल। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार, ये मैं देख रहा हूँ, पर बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अरे ऊपर भी घर में बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? बैठा था। तुम बैठे हुए थे ऐसे ही? नहीं, मैं आराम से घर में बैठा हुआ था। अच्छा, साल कॉफी रखी थी। अच्छा, और जूस सब बता दे, रेडियो कहाँ रखा था, टेप रिकॉर्डर कहाँ था, मोबाइल कहाँ रखा था, पंखा कहाँ चल रहा था, सब बता। जब मैं पूरी बात बताऊंगा तब तक तुम पता लगेगा बंदे का केस क्या है। अच्छा, तुम ये बैठे हुए थे, ये रखा हुआ था कॉफी और जूस, तुम पागल भी हो, कॉफी और जूस इकट्ठे पी रहे हो? बिल्कुल नहीं, इकट्ठे नहीं पीता हूँ, भाई थोड़ा सा प्याले में डाला कॉफी में, कॉफी थोड़ा दहा मिला कॉकटेल बना के। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या क्या रखा हुआ था? बंद रखा था क्या अचानक? मेरी बीवी है, कहने लगा तुम घर से बाहर जाओ। क्यों? देखा क्यों भाई, मैंने पूछा क्यों, मैं तो तुम्हारा शोर हूँ। सच्ची पूछी का कहेंगे नहीं, वो मेरे शोर आने वाला है। मुझे कह रही है मेरी बीवी मेरा शोर आने वाला है। शोर आने वाला क्या मतलब? दूसरा भी है? अभी तो भाई मैंने उसे कहा क्या दूसरा भी है, कहेंगे चुप कर जाओ, अब बस तुम गिनती शुरू करो। तुम क्या रहे मेरे साथ? आज जो भी ऑफिस में केस आ रहा है ऐसे ही आ रहा है। तो मतलब तुम्हारी बीवी का एक और शोर आ गया? क्या कह रहा है वो, तो एडजस्ट कर लो उसके साथ। यार अब मैंने सोच लिया, मैं बीवी के साथ तो रहूंगा नहीं, ठीक है, उसके शोर के साथ रह लो। बिल्कुल, ये मैं बहुत अच्छे यार, मुझे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, फिर आगे चल के फैसला कर लेना कौन रहेगा बीवी के साथ कौन जाएगा। यानी कि उसको पटा लो तुम कि भाई मेरी बीवी है, ठीक है, तो तुम तो रह चुके हो। हाँ। तो तुम निकल जाओ, फिर मैं रह लेता हूँ, फिर अगला जो आएगा मैं देख ले।
बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई ना। क्या हुआ? जैसे उनका शोर आया मेरी बीवी का, हाँ। मुझे कह रही भाई साहब, मुझे भाई साहब की बीवी है, बता मैं भाई साहब यार। उसको मैंने बता दिया। तो मैं बहन को रुख्सत कर दूं उसके साथ? हाँ, मैं यही सोच रहा, मैं तुमसे मशवरा लेने के लिए आया, कुछ जलील होने के लिए आया। यार तो तुम्हारी बीवी तो मेरे शौहर को भाई साहब कह रही है। मुझे भाई साहब कह रही है यार। भाई साहब हो सकता है उसके लैंग्वेज में, प्यार से कहते हो। मेरी जब से बुलाया है और यहाँ बात की खत्म नहीं है। अब तो कहाँ खत्म हो रही है? तीन बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तीनों मामू कह रहे हैं? वो कहलवा रही है। तुम्हें कैसे पता है? नहीं, बजाय उसके भाई साहब हुए तो तुम्हारे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मामू भाई हो गए। परसों तुम मेरी गली में से गुजरते हुए तुम्हें देखा, मेरी गली में क्या कर रहे थे? तुम्हारी गली कौन सी है? नौ नंबर। नौ नंबर में रहते हो? हाँ। वो जो नीली आंखों वाली लड़की औरत रहती है, वो तुम्हारी बीवी है? तुम्हें कैसे पता? यार देखो, कहीं अचानक आगे जाके मैं भी शोहर ना निकल आऊं। भाई खुदा को मारो, खुदा को मारो यार। अच्छा मैं आप सोच रहा हूँ घर छोड़ दूं और कहीं शादी कर लूं। मैंने एक जगह बात की है। कहाँ? कहाँ? मैंने बात की डिफेंस। अच्छा, फिर उन्होंने अपना डिफेंस कर लिया? हाँ, वो लड़की राशि तो हो गई। फिर कहने लगी यार तुम, मैं तुमसे शादी कर करूँ, ठीक है ना? तुम हो मूसा कॉलोनी के और मैं हूँ डिफेंस के। हाँ। लेकिन कहने फिर भी मैं शादी कर लूंगी। शादी की उसने क्या कह रही? जिस दिन तुम्हारे बाल उग गए निकल आए, हाँ, उस दिन अंदर से, हाँ, अंदर से फिर शादी करो। क्या करना? इसको तुम ना ही समझो। क्या लड़की ने ऐसी शर्त रखी, इसको ना ही समझो। यार मैं तो समझ तुम मेरी हिम्मत तो बताओगे यार? तो खुदवा लेना यहाँ जाके। हाँ, लोग खुदवा रहे हैं ना, तुम भी खुदवा ले। मेरे बाल आ सकते हैं? नहीं। हाँ सच पूछ। हाँ हाँ, क्यों खींचू? क्यों? हाँ हाँ, कुत्ते के दुम पे मक्खन लगा के चाटा कर सुबह, या कान जोर से मड़ोड़ा कर निकलेंगे। यार ये कौन सी बातें करती है? फ्री क्यों हो रहा है? आप सही से बात बात सुने। अच्छा बात सुने, चलो ये तो शोर आ गया। अगर दो तीन और आए तो मुझे टेंशन लेनी चाहिए। जब पहले महीने दी तो दो तीन में क्यों लेता? चारों मिलकर रहो। ये बीवी एक शोर चार नहीं, नहीं उसकी कहीं और करा दे चारों मिलकर। किसकी? बीवी की। तो हम लोग क्या करें? हम लोग फिर कहीं किसी काम से निकल जाओ दूसरी जगह। ये रहो, हम चारों मर गए साथ रहे। हाँ, उन्हें ढूंढने निकल जाओ, अपने अपनी शादियां कर लो चारों अलग अलग। चारों एक साथ रहे तो खतरा हो जाएगा किसी को भी साथ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं भाई, रहना नहीं है क्योंकि कोई भी मुझे नहीं है सही नहीं लग रहा। बंदे अगर मैं उनके साथ रहता हूँ ना, कतल वतल कर दे शायद। जायदाद पर कब्जा कर लिया तुम्हारे। जायदाद में है क्या क्या? एक चारपाई टूटी हुई, दो कनस्तर, तीन पुराने कपड़े, एक लोटा, क्या क्या है जायदाद? ये सब मुझे कैसे पता? तुमने क्या चक्कर लगाया मेरे घर में? अरे यार क्या चक्कर है? बस तुम्हें कैसे पता? डेढ़ महीना तो गया तुम्हारे घर में, ज्यादा थोड़ी गया। यार मेरी बात सुनो, मैं यार सोच रही हूँ। मैं तो सोचा नहीं कर, बहुत बुरा लग रहा है। क्या मतलब? हाँ क्या सोच रहे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये तो बचे है ना तुम्हारे? हाँ ये तो नहीं ना, तो मेरे बचपन में शादी हो गई ना। मतलब तीन साल की उम्र में? नहीं नहीं, मैं दस साल का था। अच्छा, और मुझे कहा भाई चलो बात खोलो, इसी केस में अंदर जाओ। क्या मतलब? बच्चों की शादी होती है हमारे माशरे में? हम गांव के लोगों में बहुत जाती है। नहीं होती है, पाकिस्तान का एक ही रूल से। यार मैं तो स्कूल से आया, मैंने बस्ता रखा। हाँ। अम्मी कह रही है हाँ भाई सोने, सोना कहती मेरे को सोना। चलो मुझे माँ है ना। हाँ कहने की सोने, तुम्हारी बीवी के मियाँ का फोन आ रहा है। यार बस मैंने कहा, मुझे कह रही सोने मेरी शादी है, मैंने बुआ खोया बेटा मेरी शादी हो गई। पता ही नहीं लगा तू, ठीक है वो थी अपनी क्या वैक्सीन लगवाई थी, शादी थी। अच्छा चलो छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? हाँ बताओ सही, कुछ जिंदगी कैसे गुजरी तुम्हारे? यही मामला तो मेरे वाले नहीं, 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 मैं तो जाता हूँ। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी नहीं, शादी नहीं अपना करो ना फिर मेरे। क्या मतलब? बस याद नहीं रहा ये, अब अचानक आज बाहर आए हो ना, अब मेरे जान मारा है यार, मेरे काम निकल गया। इतना बिजी था ना मैं। मासूम मुझे लग रहा तुम मुझे बेगैरत छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ोगे क्या? किसी को वो छोड़ता है नहीं, क्यों आपको क्यों छोड़ूंगा? और आप बने बनाया यार, साथ करो, मैं तुमसे मशवरा लेने के लिए। चल निकल यहाँ से।
आज का ये बेहतरीन मैच शफी मोहम्मदन और माणिपुर बलोच के दरमियान ये खूबसूरत मैच। ये नाजरीन शेरल जान साहब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये मैच उनके लिए भी बड़े मायने रखते हैं क्योंकि वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं आगे तक और अपने खूबसूरत अंदाज में लोगों से गुफ्तगू करते हुए शेरल जान साहब। बड़ी खुशाइन बात है कि वो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। काफ़ी लोग कबोल पार्क के इस ग्राउंड में ये मैच से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और दोनों जानेब एक अच्छी मोमेंट्स हैं और अभी तक गोल किसी भी स्कोर तो किसी भी टीम ने कोई गोल स्कोर नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि ये बराबर है, एक अच्छा सा मोमेंट करके गोल मारे ताकि मैच में दिलचस्पी पैदा हो। अब दोनों जानेब से तो ट्राइयाँ हो रही है लेकिन अभी तक कोई गोल नहीं, तो देखते हैं कि पहला गोल कौन करते हैं। इसमें माइनाज समरो साहब भी खेल रहे हैं, बख्श साहब भी खेल रहे हैं और ये दोनों टीमें बड़ी माणिपुर बलोच भी काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी टूर्नामेंट्स फाइनल राउंड जीत चुकी है और सभी मोमेंट भी किसी से कम नहीं। बहुत से लोगों की भरपूर कोशिशों के बावजूद शफी मोमडन जो है वो फाइनल तक पहुँची है। अब देखना ये है कि ये मैच जीतता कौन है। दोनों टीमें बड़ी सख्त खेल रही हैं और ये मुश्ताक से अमीर, अमीर से बख्श की तरफ गेंद गया है तो मेरे ख्याल से कि और ये गोलकीपर का बेहतरीन सेट। क्या ख्याल है जॉन साहब, आपने किस तरह से इसको देखा है? हाँ, तो ये नाजरीन लियारी के लिए एक खुशाइन बात है कि इस तरह से टूर्नामेंट लोगों की दिलचस्पी के लिए खेले जा रहे हैं। जो हमारे मखसूस तौर पे जो शेरल साहब हैं इनको सपोर्ट भी करते हैं। ये तमाशा ही देखो कुछ हकच। और अब ये नासिर करीम शाह मुसाफा करते हुए सब खिलाड़ियों से हौसला अफजाई करते हुए ये हमारे MNA हैं सेवेसर गोट के, जो शेरल साहब की खसूसी दावत पर ये दोनों टीमों के हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर स्पोर्ट्स को तरजीह दिया जाए और लियारी को ख़ास तौर पे तो माशाल्लाह। ये देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं नासिर करीम शाह और उसके साथ दीगर मौजूदीन मेहमान ग्रामी हमारे। और ये तमाशाइयों का खचाखच ग्राउंड से भरा हुआ और इस टाइम ये आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन मोमेंट से हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लियारी के लिए। और इस तरह से अगर टूर्नामेंट्स हमारे इसमें होते रहें तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी क्योंकि अब तो मेरे जान तक ख्याल है कि मैच दोबारा शुरू होना चाहता है। और अब एक खसूसी ऐलानात भी हुए हैं जीतने वाले टीम के लिए और ख़ास तौर पर शेरल साहब की जानेब से अगर कोई खिलाड़ी गोल करता है तो उनके लिए 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा।
और ये एक बहुत बड़ा इनाम है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर एक गोल करता है तो एक गोल के एवज उनको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो ये हमारे और ये शेरल साहब, शेरल जान साहब ग्राउंड में, ये देखें अपने तमाशाइयों को ये और सब अपने मखसूस अंदाज में बढ़ते हुए शेरल जान साहब। ये शेरल जान साहब अपने मेहमान खसूसियों की तरफ अपना हाथ लहराते हुए, जो इसका मखसूस अंदाज है, बेहतरीन अंदाज है। ये नासिर करीम शाह ने भी वहाँ से सलाम किया है शेरल साहब को, और ये कुछ कहते हुए ग्राउंड में बड़े, जब शेरल साहब की एंट्री होती है तो कुछ और ही मज़ा आता है और बेहतरीन मोमेंट्स होता है और तमाशाइयों का शोर गुल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शेरल साहब ने अभी जो इनाम जो गोल करने वाले के लिए 5,000 रुपये इनाम दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और अपने मखसूस अंदाज में शेरल जान साहब अपनी सीट पर, और ये नासिर करीम शाह भी आप देख रहे हैं, ये एक बेहतरीन मोमेंट्स है जनाब लियारी के लिए। शाइन बाद है लियारी की पूरी हवा यहाँ अब लुफ्तंदोज हो रही है इस टूर्नामेंट से, इस फाइनल से। तो हम देखने चाह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जीतता कौन है, क्योंकि इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं वो हर इलाके के अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन कराची के यहाँ बेहतरीन खिलाड़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये एम्पायर के फरज सर अंजाम देते हुए हमारे स्क्रीन के सामने, और अब इंतज़ार है लोगों को भी और हमें भी कि आया गोल कौन करता है, और पहला गोल अगर जिसने किया तो वो लगता है कि वही जीत के हमकिनार होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अब गोल देखने के लिए मुंतजर हैं। शेरल साहब की जानिब से जो 5,000 रुपये का इनाम का अधार है वो गोल करने वाला है, और देखते हैं कि पहला गोल कौन करता है। अब हमारे दरमियान जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं मुश्ताक साहब, बख्श साहब, और ये जो सोमरो साहब हैं, ये भी एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और देखते हैं कि पहला गोल कौन करता है, कि गोल अगर जो भी करेगा उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा शेरल जान की जानिब से। तो हम भरपूर कोशिश ये करते हैं कि कोई गोल करे, और तमाशाइये भी जो ना, और ये अब नासिर करीम शाह इनाम देते हुए, शीट देते हुए, ये इंतज़ामिया को शील्ड देते हुए, ये नासिर करीम शाह, नासिर करीम शाह शील्ड आई थिंक दूसरे को दे दिया है। मेरे जान तक ख्याल था कि ये नासिर करीम शाह के लिए एक मखसूस तोहफा था आई थिंक ये। तो अब ये देखते हैं कि गोल की क्या पोजीशन, गोल 0-0, कोई गोल ना कर सका, और अभी तक ये सिलसिला का मुकाबला जारी है और किसी भी जानिब से कोई गोल ना हो सका। तो देखते हैं कि ये कौन गोल करता है, और ये अब फजल से ये गया है अमीर से ये बख्श, और ये आउटसाइड पे गेंद चला गया है। ये शेरल जान साहब ने किसी को एडवाइस दे रहे हैं, शेरल जान साहब ने कहा कि जीतने वाली टीम को भी हम इनाम देंगे, और ये एक जज्बाती हमारे लीडर हैं, हमारे सरबरा, हमारे बेहतरीन लियारी में अमन लाने वाले शेरल जान साहब। अब देखते हैं कि गोल कौन पहले खेलता है, अब हम इंतज़ार में हैं कि पहला गोल हो जाए। तो खिलाड़ी भी थक चुके हैं, काफ़ी देर से कोई गोल नहीं हो पाया, लिहाजा दोनों टीमें भरपूर कोशिश में कि हम गोल कर पाएँ और ये फाइनल अपने नाम कर जाएं, लेकिन अभी तक कोई गोल नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि कौन पहले गोल करता है, दोनों टीमें, शफी ममडन और माड़ी फुट बलोच घंटे का मुकाबला, क्या हुई गेंद चेंज, शेरल जान साहब
मैच देखते हुए और मैच कुछ देर के लिए रुक चुका था, लेकिन फिर से शुरू हुआ मैच 3 मिनट्स में। दोनों टीमें एक दूसरे पर लावा, लेकिन कोई बोल न हो पाए। इस्माइल जो बहुत अच्छे सेंटर फॉरवर्ड हैं और शेरजमान कयूम भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और गोल तरफ गेंद जाते हुए एक बेहतरीन मोमेंट के ये गोल हो जाए कोई किसी तरीके से, लेकिन अभी तक गोल नहीं हो पाया। दोनों टीमें एक दूसरे लवर हो रही है, लेकिन कोई गोल नहीं हो पाया। अब मामला मुझे लग रहा है कि पेनल्टियों पे गया, अब ये पेनल्टी किक्स दोनों जानब से ये पहली पेनल्टी किक्स लगी है और ये दूसरी जो कि दोनों तरफ से गोल और ये एंटी किक पे मुकाबला हार चुका है। देखते हैं दोनों जाने से अभी तक दोनों टीमें गोल करते हुए और गोलकीपर भी अच्छी से दोनों टीमें अभी तक बराबर। और ये हमारे शेरल जान साहब ग्राउंड के अंदर भी आ चुके हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए शेरल जान साहब हमारे दरमियान दरमियान प्लेंटी किक्स देखते हुए, मेरे जहाँ तक ख्याल है ये आखिरी सेकेंड लास्ट प्लेंटी किक है और अगर ये गोल हो जाता है बाबर अगर मिस कर दिया तो ये शफी मोहम्मद हार भी सकती है और ये गोल पोस्ट के बाहर और शफी मोहम्मद ने ये लूज कर दिया ये मैच और मणिपुर बलोच के हाथे में आए। अब ये शेरल जान साहब देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने मखसूस अंदाज में, ये मणिपुर बलोच जीत चुकी है और रनर कप अब शफी मोहम्मद की तरफ से ये नासिर करीम शाह की तरफ से शफी मोहम्मद को ये कप दिया जा रहा है रनर कप और विनर के हकदार मणिपुर बलोच। ये दोनों टीमों का कांटेदार मुकाबला जो फिर प्लेंटी किक पे आकर ख़त्म हुआ और ये शेरल जान की जानिब से विनर टीम को 15,000 और ये रनर टीम को 10,000 ये शेरल जान की तरफ से और ये अवार्ड जो है ये 2,00,000 का कमेटी ने दिया है इनको। नासिर करीम शाह ये अवार्ड देंगे इनको, चेक दे 2,00,000 रुपये उनके लिए मखसूस और ये एक ट्रॉफी ये हौसला अफजाई के लिए टीम का हौसला अफजाई के लिए मणिपुर बलोच ने ये विन किया है। बेहतरीन नासिर करीम शाह मणिपुर बलोच को ट्रॉफी देते हुए ये खिलाड़ियों के हाथ में ट्रॉफी आ चुकी है और ये खुशी खिलाड़ियों में और ये देख रहे हैं लियारी की रौनकें। नासिर करीम शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना टीम जज बताते हैं आपने ये खूबसूरत मैच मुलायजा किया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है, खैरियत है? अरे वाह वाह, आखिर तरह गई आपको देखने के लिए।
अच्छा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको मैंने, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। आज मुलाकात हुई है आपसे, कैसे हैं आप, कभी दीदार ही करवा दिया करें अपना। आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है शेरन भाई। कैसे बना शेरल, कैसे बना शेरल जान, हमारा लकब जान, शेरल जान खान हमारा लकब है, पठान हमारे नबी ने ये नाम दिया है, और इस नाम की कदर करना हम जानते हैं। इस नाम को मान के साथ आगे ले जाना हम जानते हैं, और इसीलिए ये कौम जो जिसको नबी ने अहमियत दी वो इस माशरे में बहुत इज्जत हासिल करती है, क्योंकि वो दिल में अपने लोगों का पास रखती है, मजहब का एहसास रखती है, अल्लाह की हर बात को याद रखती है, और अल्लाह की बात कही हुई अपने दिल से ये लोगों में फैलाती है, उनको एहसास दिलाती है। सिर्फ बात करने ही सब कुछ नहीं होता, लोगों को उनके मुताबिक बताना भी है। क्या बताना है, कैसे बताना है, सब कुछ इस तरह बताना है, इस तरह समझाना है, उसके दिल में आपने आए, ये मेरा अपना है, मुझे एहसास देना है, मुझे अपने साथ लेकर चलना चाह रहा है। उसी तरह से वो भी सामने आएगा, जब एक से दो, दो से चार, जैसे सेल्फी बनती है ना, कितना लोग जमा होते हैं, इस तरह अगर जमा होते रहते हैं तो फिर वो बनती है ताकत, और वो ताकत हमारे माशरे में नेक काम करने का बेड़ा उठाती है, लोगों को आगे बढ़ाने का एहसास दिलाती है, लोगों की एहसास कमजोरी एहसास कमतरी खत्म करती है, उसको सामने लेकर आती है, जो तो काम करो, काम इबादत है, काम में अजमत है, अल्लाह खुश होता है हर उस काम से जिससे दूसरे इंसान को फायदा हो। बेलोस हो, बेलोस सगे भाई नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह घुल मिलते हैं, इस तरह एक दूसरे के काम आते हैं, भाई बन जाते हैं। देखा नहीं तुमने हम हर किसी के नाम के साथ किस तरह बोलते हैं, अहमद भाई, नूर भाई, शेरन भाई, ये भाई का लकब क्यों आया, इसीलिए कि भाई बनकर एहसास करोगे तो दूसरों के दुख को समझोगे, दूसरों के दुखों को जब समझोगे तो उनको भी एहसास होगा और तुम्हें भी एहसास होगा। ये दिल दिल से जब मोहब्बत निकलती है अपने भाई के लिए तो अल्लाह कितना खुश होता है। ये देखो, उसको देखो, इस तरह की बातें नहीं, हमें काम आना है, एहसास दिलाना है, मोहब्बत पैदा करना है, उस अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, उसकी खुशी में हमारी असमत है, हमारी कामयाबी है। ये दुनिया तमाम उसी के गुण गाती है, उसी को याद करती है, उस तरह से कुछ नहीं करती है, इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं करती है जिससे दूसरे को एहसास हो कि मेरे साथ जुल्म कर रहा है, नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए दिल से इबादत के साथ साथ काम करना पड़ता है, अल्लाह का फरमान पूरा करना पड़ता है, इतनी जिंदगी ऊपर जाना। अब लोग जानना चाहते हैं कि शेरल कौन है, कहानियां लिखना चाहते हैं, किताबें लिखना चाहते हैं शेरल के ऊपर, तो उनको पता है शेरल कैसे बना, शेरल क्या था, इस शेरल जान बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ क्या करना पड़ा, कितनी मजदूरी, कितनी पेड़ चुटाने पड़ी, लोगों के दिलों को जीतने के लिए कितना कीचड़ में गंध में घुसना पड़ा, उनके काम आने के लिए कितना भागना पड़ा, कोई नहीं जानता। शेरल ऐसे नहीं बनता है, शेरल बड़ी मेहनत से बनता है, सब को लोग याद करते हैं, सिर्फ शेरल की पूछे कि शेरल कौन है, क्या करता है, और ऐसी क्या वजह है कि शेरल को सब याद करते हैं, शेरल को सब प्यार करते हैं। शेरल बड़ी मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत लगती है, अपने आप को मारना पड़ता है, उस एहसास को जगाना पड़ता है जो दूसरों का एहसास होता है, उनको
जानने के लिए शेरल को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब जाके शेरल बनता है शेरल, जब पुकारते हैं लोग शेरल, जब शेरल पुकारते हैं तो उनके दिल से आवाज निकलती है मोहब्बत की, जान जान शेरल जान। शेरल जान ऐसे नहीं बनता है जैसे पानी की तरह बह गया, नहीं नहीं, इसको बनने के लिए सब मेहनत हर आदमी को नहीं पड़ता, हर आदमी के लिए क्यों नहीं लिखा जाता, हर आदमी के लिए क्यों मालूम आती होती है, शेरल के पीछे क्यों है, इसलिए शेरल मेहनत करता है। शेरल को ये मेहनत अपने से नहीं मिली है, उसके बाप से मिली है, दादा से मिली है। मेरे दादा ने भी अपनी जान जोखों में डालकर लोगों की मदद की, लोगों के काम आए, चारों तरफ उनका नाम रोशन है। इसी तरह से मेरा बाप, जब मैं छोटा था मैं देखता था चारों तरफ मेरा बाप घूमता फिरता, लोगों से उनकी मदद पूछने की जरूरत नहीं होती थी और उनकी मदद करता था, बगैर कहे उनके काम आता था, तो मेरा बाप भी शेरल था। इसी तरह से मेरे अंदर भी वही जज्बा पैदा हुआ कि मैं लोगों के काम आऊँ। मेरे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं शेरल जान पर जाऊँ, लेकिन उन लोगों की मोहब्बत में जिनके मैं काम आया उसने मुझे इतना रोशन कर दिया कि लोग मुझे शेरल जान के नाम से प्यार करते, एक दूसरे को बताते हैं कि शेरल को देखो, शेरल को देखो, इसलिए कि शेरल को देखो, शेरल इतना काम क्यों करता है, इसके पीछे क्या है, इसलिए कि शेरल जो है उसका बैग बहुत मजबूत है, सारी बैग कौन उठाए, आज ही रमजान का बेटा शेर खान का पोता, जो लोगों के काम इस तरह करते थे कि उनसे कोई मफाद नहीं रखते थे, कोई मफाद नहीं था, आज उनको लोग याद रखते हैं, हाजी रमजान को याद रखते हैं, शेरल को याद रखते हैं। शेरल में वो अपने आप की मोहब्बत मिलती है, उनको अपना एहसास होता है, शेरल को अपना समझते हैं, वो शेरल उनको अपना अपना लगता है, इसलिए शेरल मेहनत करता है, मोहब्बत करता है, एहसास दिलाता है, उनके काम आता है। जब जाके शेरल बनता है जब भी तो लोग स्टोरी लिखने के लिए थोड़ी पीछे फिरते हैं, चारों तरफ उसके नाम रोशन थोड़ी होता है, हर आदमी उसके गुण थोड़ी गाता है, क्यों लिखते हैं रोशन किताबें कहानियाँ शेरल, इसलिए वो जानते हैं शेरल है क्या, ये सब कहाँ से लाता है, ये जज्बा उसको कहाँ से मिला, ये जज्बा आज रमजान मेरे बाप से मिला, मेरे दादा शेर खान से मिला, और ये जज्बा हमेशा रहेगा, लोगों की हमेशा काम आता है। तब तुम्हें भी नहीं था, तुम भी कुछ करो, जो कुछ करते हो वो सही है, मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, काम करते हो, लेकिन लोगों के काम नहीं करते, शेरल की तरह हो, शेरल के अंदर जो जज्बा है वो शेरल का नहीं, बल्कि आज रमजान मेरे बाप का है, मेरे दादा का है। बोलो तो बोल, देखो बेटा ये जिंदगी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसको गुजारने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम बेटे हो मेरे, तुमको मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये पढ़ाई तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएगी, ये पढ़ाई तुम्हें दुनिया के सामने रोशन करेगी। हाँ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी हो, स्पोर्ट्स से सेहत बनती है, जहन खुलता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई से शऊर पैदा होता है, और उस शऊर से हम एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ कालिया, कैसे आए हो? भाई मैं इसलिए आया हूं कि इस लड़की पर मुझे डाउट है। अच्छा, कैसे? इसका डाउट गलत है सर। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तुम कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कह रहे तुम्हारे? सर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आई थी, आप बताएं, लोगों के सामने बोल दूं क्या? हाँ, कोई मसला नहीं, मेरे अपने कहो। सर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
माफिया का जो गवर्नर है SHO और मेरे सर, वो सब आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा इंतजाम करें तो फिर बेहतर हो। देखो, मैं ना कहता था कि मुझे शक है और मेरा शक यकीन में बदल गया। साजिशें तो होती रहती है हर उस शख्स के लिए जो सही काम करता है। वो कालिया, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम जाओ और जो काम मैंने तुमको बताया है उसको करो। ठीक, इसको भी लेकर जाओ। ठीक है, इसको समझाओ, सिखाओ, दिखाओ, ताकि आइंदा ये भी तुम्हारे मुताबिक काम कर सके। ठीक है, मैं पल पल की खबर आपको देता हूँ, देखता हूँ। चलो चलो, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, जो जो मैं चाहता हूँ मुझे सब तुम बताओगे आकर। ठीक, ओके सर, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। शाबाश, इसको लेकर जाओ, उसको समझाओ, ठीक, बताओ, सिखाओ कौन क्या कर रहा है और जो जो मैंने तुमको बताया। ओके, हेलो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे, हाँ ठीक है, तुम जाओ। जो जो कहा है ना मैंने उसको तवज्जो से, एक एक बात, एक एक रिपोर्ट मुझे दो, एक एक बात बताओ। ठीक है सर साहब, साजिश के चक्कर मत पड़ो। ठीक, जो हो रही होने दो। ठीक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है सर, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं मार सकता, अपना काम करता रहूंगा इसी तरह से जो मुझे। ठीक है, ओके, जाओ तुम जाओ। ओके, और मेरा आपके लिए एक मुखलिस मशवरा है, मैं आपकी वेल विशर हूँ। वो जो शाह साहब हैं स्पेशल ब्रांच के, वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, अगर आप उनके साथ। जान, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती इस समाज को। ये देखो कितनी मासूम है, बहुत शराब करती है कहने पर चलते। ये कालिया, ये कालिया जरूर है लेकिन दिल का काला नहीं है। काले लोग अच्छे होते हैं, काले लोग खराब नहीं होते हैं, समझे ना इस बात। बिल्कुल सर, और कालिया जिस तरह काम कर रहा है ना, मैं से बहुत खुश हूँ। और इस तरह हर आदमी काम करेगा तो मैं अब किसे से खुश हूँ। कालिया ने जो बोल दिया वो कर लिया। ये बात, और जानी है ये मेरा जानी, दिल का जानी, प्यार करता है इससे और मेरे काम को फौरन करता है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे लोग जब मुझे मिलते हैं ना, मेरा दिल बड़ा खुश होता है। ये बहुत अच्छा काम करती है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, हर रिपोर्ट को मैं एक एक पहुँचाती हूँ, जो जो काम मैंने इसके सुपुर्द किया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, और कालिया मैं जा रहा हूँ। शाबाश, एक एक रिपोर्ट देना। अब तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम भी जाओ, शाहबाजों के पीछे जाओ, साथ साथ जाओ और एक एक बात को समझना। अब बताओ तुम कैसी हो, तुम जो बातें करती हो वाकई बहुत अच्छी होती है, लेकिन तुम हो दिल की बहुत अच्छी, अल्लाह ने तुम्हें बनाया भी बहुत अच्छा है, बहुत कदर है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, बहुत इज्जत है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँ, तुम हमेशा खुश रहो, जिंदाबाद। ये सेंट्री वाली है जबरदस्त, इसी तरह से अपना काम भी करती रहो और माशरे के अंदर सुधार भी आता जाए, वरना कुछ नहीं रखा है। शाबाश, जिंदाबाद। अब इस तरह से तुम अपना काम करो, जाओ, ठीक है, शाबाश। एक एक बात मुझे बताती रहना, ख्याल रखना, अपनी तरफ से मुतमिन रहो तुम कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, अल्लाह, शाबाश शाबाश। अब तुम जाओ और अपना काम अच्छी तरह से करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा शरण भाई, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठे बैठे बैठे, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, शेरा साहब की रिपोर्ट के मुतालिक है। ओके, क्या मतलब है तुम्हारा, समझा नहीं मैं कुछ। देखो, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी इनकी रिपोर्ट के मुतालिक, आगे भी वही बात जानी चाहिए, मेरी बात जो होगी वही आखिरी बात होगी, ठीक है। अब तुम लोग बताओ,
ये जो साजिशें चल रही हैं क्या ये सही है? मैं कुछ समझ रहा हूँ, इनकी बात समझ में आ रही है मेरे। तुम क्या बताएं, क्या कहना चाहती हो? देखिए मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो किसी गलत वे में ही जा रही है, तो मैं वही बताऊंगी। आप कैसे कह सकती हैं कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट गलत वे पे जा रही है? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और वही बताऊंगी जो रिपोर्ट्स में आएगा। ये जो जितने भी मेडिकल इदारे हैं, मेंटल, ये लोग क्या इनकी तमाम बातों को या इनकी रिपोर्ट्स को मैं मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सेहतमंद और तरोताज़ा हूँ, मुझमें से कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये लोग मुझे मेंटल साबित करके मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं चाहूँ तो अपना ये मौक़िफ अदालत में ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इनको अहमियत नहीं देता। मैं सोशल मीडिया में या मैं अपनी जो वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें खुद पता चल जाएगा मेरी बातों से कि मैं मेंटल नहीं बल्कि सेहतमंद शख्स हूँ जिसका जहन तरोताज़ा है और जो आवाम के लिए काम करता है और करता रहेगा। मुझे इसलिए इस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, चाहे कितनी साजिश कर लें। इनकी रिपोर्ट पर गौर मत करें शरद भाई, ये तो चंद पैसों के लिए वो बदल सकते हैं इधर की उधर, ऐसा चीज ही ऐसा होता है, सब कुछ बदल सकता है। मेडिकल जारी रिपोर्ट्स पर कार्रवाई बहुत जरूरी है ऑफिसर। देखें जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया, बाकी आपको अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए बेबी बात सुने, अभी तो आप चली जाएं, आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, पूरी छानबीन होगी कि आखिर मामला क्या है, ये रिपोर्ट सही है या गलत। बगैर तहकीक के ये लोग जिन लोगों को उठा कर ले जाते हैं, सेहतमंद लोगों को, और उनको टॉर्चर करते हैं और मेंटल साबित कर कर उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें पागलखाने में डाल देते हैं, इन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है ऑफिसर। ये तो सरासर इल्ज़ाम है, डॉक्टर का जो फर्ज है वो तो वही पूरा करता है ना, बाकी आप जो समझ रहे हैं वो अपने तौर पर ठीक है, लेकिन मैं मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है, मेरी जो भी कुछ है, तो क्या मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, तुम्हारे सुपुर कर दूं ताकि तुम मुझे मेंटल साबित ना करो? अरे पहले भी तुम मुझसे काफी कुछ ले चुके हो, मैं खामोश रहा, चुपचाप रहा, जाली चीजें साबित कर। ये शनाख्ती कार्ड मेरा है, मेरी जात से मुतालिक है, मेरा नाम सब कुछ लिखा हुआ है, लोगों ने मेरे जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर या जाली साइन कर कर मेरी चीज़ें हथिया ली हैं या हथिया रहे हैं, लूट रहे हैं, तो क्या करूं मैं इनको छोड़ दूं? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मेरी मिल्कियत है, मेरी मेहनत है, मेरे आबा और जात की जायदाद है, मैं कतई नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मैं इनको कुछ नहीं दे सकता। देखें आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, आपको तहकीकात करनी है तो सही वे में करें जो ये कह रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, मेरा यार है, जिसको मैंने बुलाया है तमाम तहकीकात के लिए, तो शो करने के लिए कि मैं क्या हूँ और मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या जाली तरीके से मुझे हिरासा किया जा रहा है, मेरी जायदाद को लूटने के। एक बात याद रखिए, आप जो ये रिपोर्ट लेके आई है, ओके, अल्लाह हाफिज, पेश कर सकती है इसका बाद में देख। शीरल भाई कैसे हैं? शीरल भाई सलाम। अरे आपको कैसे पता कि मैं घर पर मौजूद हूँ? वाह वाह, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या स्टाइल है आपका, कमाल है। बैठो तुम, आप बैठो। मैं तो रात को पार्टी से आया था, बस जब से किसी काम का दिल भी नहीं चाह रहा था, ऐसे ही लेट हुआ था, कपड़े भी ऐसे इधर उधर रखे हुए, सबको समेटना है। अब देखो ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठा के रखना है, सेट करना, आया बस कपड़े उतारे, चेंज किए और लेट गया। अच्छा, घर कमरा इधर उधर होता है, क्या करूँ? सोचा था उठूँगा तो सब कुछ करूँगा, सफाई सुथराई थोड़ी करवा के मैं कपड़े सेट करूँगा, कहाँ कहाँ रखना है क्या नहीं है। ये तुम आ गए हो, दिल करेगा तो करूँगा जरूर बात तुमसे, तुम आए हो मेरे लिए। तुम सुनाओ मेरे लाइक कोई काम क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, सब मुझे बताओ। ये चीज ये लो, टोपी पहन कर तुम अच्छे लगते हो। मेरी बात ये कि इतनी इज्जत देने का बहुत प्यारा शुक्रिया। हाँ ये बात तुम मेरी बात को समझते नहीं हो, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ।
बहुत खुशी है। तुम्हारी बात है, बहुत अजीब वगैरह होती है, तुम जो कुछ कर रहे हो ना सब मुझे इल्म है, सब पता है मुझे कौन क्या अजीब है। तुम्हारी बातें भी मेरे साथ आपका प्यार आपकी मोहब्बत देखकर मैं आया हूँ यहाँ पर। शातर तुम इंसान तेरा बहुत तेज है, बहुत तेज, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, निकालने का मौका दो तो पता चले था। लेकिन मैं जानता हूँ तुमको अच्छी तरह से, तुम क्या हो अंदर से, बड़े खतरनाक हो तुम, बहुत खतरनाक हो। तुम्हारा चेहरा देखो, दो है चेहरे तुम्हारे, पल में कैसा पल में कैसा, अब देखो कितना मासूम लग रहे हो तुम, कितने मासूम, जैसे तुम कुछ करते ही नहीं हो। यही तो आपका बड़ापन है छिपा हुआ। तुम मुझे पागल बनाकर क्या हासिल कर लोगे, क्या साबित कर लोगे, तुम जायदाद ले लोगे, तुम मेरी जायदाद, तुम जायदाद के लिए गेम कर रहे हो ना, सारा सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना कि मुझे पागल साबित करके मेरी जायदाद पर कब्जा कर लो और लोगों को साबित कर दो मैं पागल, तुमको शर्म नहीं आती है। अरे मैं तो तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था। क्या हिफाजत करोगे तुम, तुम तो खुद मुझे मारना चाहते हो, मुआशरे के अंदर मुझे पागल साबित करके मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा, समझे, किसी बात में नहीं आऊंगा। ये देखो तुम्हारी शर्ट, ये शर्ट तुम्हारी दीवी है ना, मैं सब समझता हूँ कि तुमने क्यों दी है शर्ट। तुम अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाक साफ साबित करते हो, बिल्कुल ऐसा, कि मैं साबित कर दूंगा कि तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, तुमने मुझे ले जाकर टॉर्चर करवा के साबित करने की कोशिश की मैं पागल हूँ। लेकिन नहीं, मेरा जिस्म बहुत टॉर्चर में है, मेरा जिस्म टूट रहा है, मेरे साथ जो जुल्म किया है तुम सब लोगों ने, मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद मैं तुम्हें अपने घर में आने देता हूँ, इसलिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आजिज़ी और इंकसारी से रहना चाहता हूँ। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि तुम भी सीधे रास्ता अख्तियार कर लो। ये जिंदगी तुम्हारी कितनी है, किसी के साथ जुल्म करके, किसी की चीज़ों को लूट के, जायदाद पर कब्जा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या तुम जिंदा रहोगी हमेशा? क्या तुम अल्लाह को जवाब नहीं दोगे? ये गुनाहों का पटारा तुम्हारे साथ होगा, इधर तुम जहन्नम में जाओगे, इधर तुम जहन्नम में जाओगे, और इस तरह सड़ी हुई मौत मरोगे। तुम नहीं जानते तुमने मेरे साथ कितना जुल्म किया है, और मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। सब जानता हूं मैं, एक एक बात का इल्म है मुझे, एक एक बात का इल्म है मुझे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे टॉर्चर करके मेरी सेहत को खराब करने की कोशिश की है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। ये जायदाद तुम कैसे हासिल कर सकते हो मेरी अपने आवाज दांत की जायदाद? क्या बोलूं तुमको मैं, तुम क्या बोलोगे, क्या सफाई करोगे तुम? तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम आस्तीन के सांप हो, मैंने तुमसे हाथ मिलाया, मोहब्बत की दरख्वास्त की, इंसान बनने की तलकीन की, लेकिन तुमने मुझे ही डसा। अरे मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा, एक एक बात मेरे पास है, तुम क्या छुपाओगे तुम? क्या तुमने मुझे टॉर्चर नहीं दिलवाया? क्या तुमने साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं पागल हूं? तुमने मेडिकल इदारे से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश नहीं की? तुमने क्या कुछ नहीं किया और फिर मेरे पास आते हो, सलाम दुआ करते हो, ऐसे हंसते हुए आते हो जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। सब जानता हूं। देखो मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं जुल्म का बदला लेना जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो नुकसान दे। फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क हुआ, बोलो क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करूंगा वो कर सकता हूं, लेकिन मैं सब अल्लाह पर छोड़ता हूं। लेकिन इतना बता दूं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आबाओ अजदाद की जमीन पर, जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूं, और तुम मुझे मारने की कितनी कोशिश कर लो,
मैं मरूंगा जब जब मेरा अल्लाह ताला चाहेगा। मैं मुझे मारने वाला कोई नहीं है अल्लाह के अलावा, वही मुझे हर जगह बचाएगा तुम जैसे लोगों से। तुमने कितने टॉर्चर दी, मेरा बदन टूट रहा है, मेरा जिस ये मेरी टांग की हड्डी मुतासिर हुई है, तो मैं क्या पता कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। और मैंने फिर भी ये देखो मेरे हाथ का ये बाजू यहाँ से क्रैक हुआ, अल्लाह ने मुझे बचाया। तुमने मारने की पूरी कोशिश की है लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर हशर बुरा कर सकता हूँ तुम्हारा, लेकिन मैं अल्लाह पर जानता हूँ और चाहता हूँ कि तुम अब भी सीधे हो जाओ। पर तुम सीधे नहीं हुए और जिस दिन मैं टेढ़ा हो गया तो तुम्हारी लाश है सड़ा दूंगा मैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारे साथ उठा हूं बैठा हूं खाया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से ऐसी कोई बात हो जाए। तुम लोग क्यों करते हो तुम क्यों कर जा तो रहे हो, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ टूट रहा हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि तुम एक इंसान बन जाओ। इंसान मुझे नुकसान पहुँचा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जहन्नम की आग तुम्हें मिलेगी। मुझे तोड़ कर तुम कुछ नहीं हासिल कर सकते, मेरा अल्लाह ताला मुझे फिर मजबूत कर देगा। तो क्या मिल जाएगा तुमको और तुम जैसे बजे? क्यों करते हो मुझ जैसे गरीब आदमी पर, जो मेरा कसूर यह है कि मैं लोगों के काम आता हूँ, बेलोस उनकी खिदमत करता हूँ। तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम भी करो, मुझे खुशी होगी ये हाथ तुम्हारी तरफ फैले रहेंगे। लेकिन तुम नहीं चाहते कि मैं भी वो काम करूँ कि लोगों के काम आ सकूँ। तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचा कर कभी फायदे में नहीं रहोगे। ये मुआशरा तुम्हें मेरी बद्दुआ है, तुम्हें मुआशरा जिंदा दरगोर कर देगा। तुम किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये लिख लो मेरी बात, अब भी वक्त है। मैं तुम्हारे साथ उठा बैठा हूँ, इंसानियत है मेरे अंदर कि तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। ठीक है शेरा भाई, अब मुझे तुम यही देखने आए थे कि मैं अभी जिंदा हूँ। नहीं, मैं किस हालत में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम जाओ अपना मुंह काला करो उधर से। और अब भी मैं कहता हूँ ठीक हो जाओ, वरना मैं जिस दिन उठ गया तो फिर तो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। कोई नहीं याद और भूल जाऊंगा तुम मेरे कौन। जाओ। हाँ जी, उसी पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। शुक्रिया। किसका शुक्रिया अदा हो रहा है? आओ भाई, कैसे हो? ताने गए नहीं। और एक बात है, तुम भाई जिस अंदाज से हो लगता है कोई गहरी बात लेके आए हो। बात तो मेरी अभी तक खुद समझ नहीं। शेरल के पास गया था। अच्छा, कि उससे मैं कुछ अंदर की बात यानी कुछ राज उगलवा सकूं। लेकिन वो जो कहता है मुझे लगता है कि एक सच्चा साफ गो और एक ईमानदार शख्स है। लेकिन मुझे जो बताया गया है उसके बारे में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमें अंधेरे में रखा गया है, उसके मुतल्लिक यानी शेरा के मुतल्लिक हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है। शेरा अच्छा आदमी है। ये रिपोर्ट मिली है। और रिपोर्ट का जहां तक सवाल रहा, पूरा शहर उसके बारे में जानना चाहता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुमने फोन पे बताया था कि एक मर्द है और एक औरत है, वो मेरे ख्याल से कोई जर्नलिस्ट। वो ढूंढते फिर रहे शेरल को।
क्यों? मीडिया के लोग हैं, मुझे इतनी टेंशन नहीं है। मीडिया का तुम्हें पता है कि अगर पानी में बिल्ली गिर जाए तो उसकी तहकीकात शुरू कर देते हैं। कानून से ज्यादा मीडिया वाले मालूमात करते हैं, क्योंकि मीडिया का दौर है, उनसे भी बात हो जाएगी। बात यह है कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए बकौल तुम्हारे रिपोर्ट के। वो बहुत अच्छा इंसान है। बहुत अच्छा भी है और दुखी भी है। इसकी पूरी कहानी क्या है कि शेरल कहां से आया और कहां से इतना नाम कमाया उसने? कहां से स्टार्ट लिया था उसने और जिस मकाम पे है आज शेरल, वो किस बुनियाद पर है? उसकी जिंदगी की कहानी चाहिए हमें। इस रात से पर्दा उठना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 से 3 दिन दे दो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तुम पे बहुत यकीन है कि तुम अपने काम में कभी गलती नहीं करोगे और हमेशा की तरह तुम अपने काम दिल लगा के करोगे जिस तरह करते आ रहे हो। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। हाँ शाह साहब। आपसे मीडिया से लोग मिलने आए। मीडिया के लोग? अच्छा जानता हूँ मैं। ठीक है आने दो। आ रहे हैं? आ जाएं सर, अंदर आ जाएं। जाओ तुम चाय का कुछ करो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बस ड्यूटी हो रही है। बस कल एक धरना था, वहाँ मेरा जाना जरूरी था। पता नहीं ये धरने, ये एहतजाज, ये मामलात हमारे मुल्क से कब खत्म होंगे। जब मुल्क के हालात सही हों। मुल्क के हालात सही नहीं होंगे तो धरने वरना चलते रहेंगे। खैर छोड़े इस बात को, धरने वरने को, हम एक जरूरी काम से आए। जी आप हुक्म करें, कानून 24 घंटे आपके लिए, आप हुक्म करें, क्या काम है? हुक्म नहीं इल्तजा है, बताएं जरा। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप शेरल की जिंदगी के बारे में हमें वो सब कुछ बताएं जो हम नहीं जानते, और मुझे लगता है कि आप हमसे तामुन करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों, आप क्यों जानना चाहते हैं? आपको तो पता है मीडिया से ताल्लुक है हमारा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो छोटे से बस्ती से, छोटे से घर से इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे और इसके पीछे राज क्या है। और ये भी कि अक्सर उनके मीडिया पे क्लिप्स आते हैं, मैंने तो खुद भी देखा है कि अक्सर ही वो बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और आंसुओं के पीछे की वजह क्या है बताएंगे? देखो मैं शेरल के पीछे उसे मुजरिम समझकर, उसे कातिल समझकर, मुजरिम समझकर उसका पीछा किया,
और उसके खिलाफ मैंने एफआईआर भी काटी, और लेकिन उससे जब मेरी मुलाकात हुई मुझे पता चला कि असल शेरा ही कंपनी का मालिक है, और ये सब कुछ, ये बंगले और ये जागीर, ये सब कुछ असल वारिस शेरा ही है, ये उसी की मलकियत है। शेरल के पास इतनी जायदाद, इतनी इंडस्ट्री, इतनी सब कुछ है, तो फिर इसके हाथ जायदाद नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है? ये वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा, और मेरे तजर्बे के मुताबिक मुझे लगता है कि कोई साजिश है, आपेसदारी का मामला है। अगर आप सही तरीके से उसकी कहानी बता दें तो उसकी कहानी में सही तरीके हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, फिर कभी इसी मैटर पे, इसी पे मुलाकात होगी आपसे। जब आए तो चाय लेकर आए। मुझे लगता बहुत मजाक करते हैं, मजाक मजाक में आप SHO बन गए, मजाक मजाक में आप DIG बन जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलता हूँ। बुला तो लिया है, लेकिन आपको लगता है कि बंदा हमारे काम का है? ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली जाए। क्यों नहीं मानेगा, पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा फेंक, तमाशा देख, चलो कोशिश करते हैं अपने तई, कुछ ना कुछ तो होगा ना। दुआ करें कि ये बंदा हमारे काम का निकल आए, इतनी मेहनत हमारी बेकार ना चली जाए कहीं। लगता तो है हमारे काम का है। आइए भैया ना, आइए। अस्सलामुअलैकुम। आखिर आपने मुझे बुलवा ही लिया, भैया बहुत जरूरी काम है। मैं भी ये सोच के आया था कि कोई जरूरी काम है, फरमाइए। जी आपसे हमें कुछ मालूमात चाहिए, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि आपसे सिर्फ मालूमात चाहिए, आप अगर हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी। तो आप मुझे मेरी परसेंटेज बता रही है? एक बात बताऊं आपको, जो नस्ली होता है ना वो बिकता नहीं है, और शेरा मेरा दोस्त है, जिगर है मेरा, उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है, समझे आप? देखें आप समझ क्यों नहीं रहे, अगर हमारी किताब छपेगी तो शेरल की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा, वो और मशहूर हो जाएंगे। आप शेरल की मशहूर होने की बात कर रही हैं, एक बात बताओ ना, शेरल को मशहूर होने की जरूरत नहीं है, शेरा और शेरल तक का सफर बहुत लंबा है, उसने बहुत मेहनत की है, आप जानते नहीं उसे, शेरल को उस यहाँ से लेके माँ तक का सफर बहुत लंबा तवील सफर उसने तय किया है, मेरी बात याद रखिए। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बायोडेटा देना है कि शेरल छोटे से कस्बे से, छोटे से इलाके से, छोटे से मोहल्ले से यहाँ तक कैसे पहुँचा, और शेरा से शेरल कैसे बना, बस इतनी सी बात है। हमें आप बताते रहे कैसे इतना बड़ा आइकॉन बना। मैं समझता हूँ आप शेरल की जिंदगी को एक हेडलाइन बना के पेश करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को अखबार में छापना चाहते हैं। मैं सब समझता हूँ, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी। और ये सारी बात बताने में आप समझिए कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, ये उसका हक है। और अच्छी परसेंटेज, तुम मुझे लालच दे रही परसेंटेज। उनकी स्टोरी मीडिया में जाएगी, हेडलाइंस बनेंगी, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। शेरल को क्या फायदा होगा ये बता? क्यों नहीं होगा, जो लोग उनकी जात के छुपे पहलू नहीं जानते वो जानेंगे, और उनको भी फायदा होगा। शेरल के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना उसको शरण की कमी है, ना उसके पास दौलत की कमी है, ना ही उसके पास ताकत की कमी है, सब कुछ उसके पास। चलो उसको नहीं है जरूरत, आपको तो जरूरत है, आपकी भी औलाद है, आपका भी घर है। शेरल से गद्दारी का मैं सोच भी नहीं सकता, शेरल मेरा यार है,
मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन शेरन से बदकारी मरते दम तक नहीं कर सकता, चाहे दुनिया इधर की हो। समझी? समझाओ समझाओ इसे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेरन के बारे में बारह बात सुने मेरी, उसके बारे में कुछ भी आपने कहा मैंने चुप करके सुना बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बारे में आज के बाद में कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझने, वो मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मेरे जिगर है, बस बता दिया मैंने। मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा याद रखूंगा ये कालू की जबान है। कितनी अकड़ है भाई इसमें। सर आप तो कह रहे थे कि ये काम का बंदा है, ये तो खरी खरी करके चला गया। अरे क्या करें, पीछे से इतना प्रेशर है, शेरल के बारे में लिखना है, इससे हमारी रेटिंग बढ़ेगी, मालकान वैसे भी गुस्सा कर रहे हैं, और मैं ही करता रहूं, तुम कब करोगे अपना काम? सर मुझे तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई कैसे आना हुआ? आना ऐसा हुआ कि मेरा ताल्लुक क्राइम ब्रांच है, शेरल के बारे में जानना चाहता हूँ। आप यहाँ के एमपीए रह चुके हैं। जी। तो एक बात और पूछूं आपसे, मैंने शेरल के बारे में यहाँ के चप्पे चप्पे की खाक जानी है, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझे नहीं मिल सकी। मैंने जर्नलिस्ट से पूछा, यहां के एसएचओ तक को मैंने ड्यूटी पे लगाया, अब आके पता चला कि यहां वाहिद तुम ऐसी शख्सियत हो जो शेरल के बारे में सब कुछ जानता है। असल में शेरल जो है वो नहायत ही मुखलिस आदमी है, और उसने अपने काम से अपने आप को मनाया है। वो नीचे से ऊपर आने तक उसने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने जो मेहनत की है, मैं नहीं समझता कि इस ज़माने में आज के वक्त में कोई ऐसा बंदा हो। देखें शायद साहब, ये भी तो हो सकता है कि बंदा दो नंबर तरीके से ऊपर जाए। ना ना सर, इसका एविडेंस मौजूद है, इनका बचपना यहीं गुजरा है, वो हम बचपन से ही जानते हैं उनको कि वो ऐसे आदमी नहीं है, वो ना किसी क्राइम में मुलव्वस है। हाँ वो इस चीज में जरूर है कि अपनी प्रॉपर्टी समेट रहा है और उसे हासिल कर रहा है, और मैं आपको बता दूं एक दिन वो अपनी प्रॉपर्टी हासिल भी कर लेगा, क्योंकि उनके पास प्रूफ है, उनके पास सबूत है, क्योंकि वो जिस बाप का बेटा है वो पूरी दुनिया जानती है, वो अरब करब नहीं लॉर्ड ऑफ मनी है, लॉर्ड ऑफ मनी। वो शॉर्टकट तरीके से इस मकाम पे पहुंचा, इसका मतलब वो सब झूठ है, क्योंकि मुझे अपनी तहकीक के मुताबिक पता चला है कि उसके बहुत अजीजी करीबी और बचपन के दोस्त हैं, तो जाहिर है आपसे ज्यादा शेरल के बारे में कौन जानता होगा। मैं इनके बारे में मजीद आपको मालूमात दूंगा, पर आप मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, हम फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर। आपका नंबर मेरे पास है, मैं खुद रब्ता करूंगा आपसे। ठीक है चलता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। हाँ मैंने भेजा है, उसे उठा के लाते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ तो गए होंगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। आपने मुझे बुलवा लिया होता, आपने मुझे उठवा लिया, ये मुझे घर से लेकर आया है। कई दफा तुम्हें फोन भी किया है, मैसेज भी किया है, तुम्हारा फोन मुसलसल बन जा रहा है। आदमी सब काम में मसरूफ होता है, बिजी होता है, आप मुझे बताते मैं आ जाता, आप मुझे बगैर पूछे बगैर कहे उठा के लेकर आए हैं। जरा अपनी बैटरी को स्लो करें,
हम आपसे कुछ बात करेंगे। शेरल के बारे में कुछ पूछना है। शेरल के बारे में और मैं? कि वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की। शेरल के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे शेरल के बारे में मैं क्या बताऊं आपको? मैं क्या बताऊं? शेरल से सफर जो बहुत लंबा है उसका, बहुत लंबा सफर है उसका, बहुत मेहनत की है उसने। वो कोई आम आदमी नहीं है, उसने बेलचे चलाए हैं, बेलचे उसने सड़कें खोदी हैं, उसने उसने मेहनत मजदूरी की है, बेलचे चलाए हैं, बेलचे मजदूरी की है उसने, तब जाके उसका एक नाम बना है। शेरल के बारे में ऐसी बातें मत करें आप। वो एक अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है, हर एक से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, उस जैसा बंदा कहीं आपको नजर नहीं आएगा। वो इतना मुखलिस बंदा है अपने वतन से, अपने प्यार करने वालों से। और एक बात आपको बताऊं मैं कि आप मुझे मुझे आप उठा कर लेकर आ गए हैं क्यों? और आप पूछने था तो मुझे ऐसी बात थी, मैं हाजिर हूं। आप मुझसे पूछ सकते थे, आप मुझे टेलीफोन कर सकते थे, मैं आपको बता सकता था, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप शेरा के बारे में जानना चाहते हैं। शेरा से शेरन का सफर जो है बहुत तवील है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, एक पूरी जिंदगी गुजारी है शेरन ने, और मैं इसका गवाह हूँ और गवाह रहूंगा। आपने और कुछ पूछना है तो मुझे बताएं, मैं इनकार नहीं करूंगा। आपकी हर बात का मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, बिल्कुल सही। आप मुझे उठा कर लेकर आ गए हैं, आप मुझे बताते हो सही कि आपको चाहिए क्या। मैं आपको हर बात में खुद बताने के लिए वहां पर, यहाँ पर हर जगह हाजिर हो जाता, लेकिन मुझे हाजिरा लाने का मकसद आप कहना क्या चाहते हैं समझा नहीं मैं आपकी बात को। मैं हाजिर हूँ हर तरह से। इसका मतलब है कि हमें अब तक जो शेरल के बारे में रिपोर्ट मिली वो सब गलत है? कानून को हर चीज की मालूमात है, और जहां तक उसकी जिंदगी का ताल्लुक है तो शेरल ने कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया जो कानून से वाला तर हो। कानून के दायरे में रहकर काम किया है, कानून की हिफाजत के लिए काम किया है उसने। और आपको ये शक है तो आप मेरे से गवाही दे सकते हैं, मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि हमें शेरल के बारे में गलत मालूमात मिली है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरा भी यही ख्याल है कि हमें रिपोर्ट गलत मिली है। अस्सलाम वालेकुम। यानी कि अब शेरल के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि शेरल के देरीना दोस्त बैठे हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महफिल जमी हुई है, क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? हाँ जानता हूँ ये साजिश तुम्हारी नाकाम रहेगी हमेशा। तू सुना कालिया, तेरा क्या हाल है, कैसे आया? मुझे खुद नहीं पता भाई, बस ये घर पे मैं बैठा हुआ था, मुझे उठा के लेकर आ गए। आपके मुताबिक पूछ हो रही है, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा पूछ हो रही है मेरे लिए? हाँ जानता हूँ मैं कौन कौन इस बात के पीछे है कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला, सबको जानता हूँ। हो सकता है कि मेरे जितने अपने हैं उनके लिए मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन कर रहा है ये मैं उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्द पहुंचूंगा। जब साजिश किसी के लिए होती है ना तो उसमें इंसान अपनों के लिए भी सोचता है कि शायद ये लोग, लेकिन मेरे जहन में या मेरे समझ में बात आती था कम से कम मेरे अपने जिन्होंने मेरे साथ खारा खाया, मेरे साथ उठे बैठे, वो शायद मेरे लिए गलत नहीं सोचते जितना दूसरे लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो लोग। और मैं समझता हूँ कि तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कौन है वो, तो कम से कम तुम्हें भी तो खुलकर मेरा साथ देना चाहिए। जानता हूँ कौन है तो तुम भी तो बताओ मेरे लिए, या इसी तरह खामोश रहोगे या इसी तरह सिर्फ मेरे लिए तहकीकात करते रहोगे, छानबीन करते रहोगे, क्यों? बोलो तुम तो बोलो यार, कुछ मेरा साथ दो उनके खिलाफ जिनको तुम समझते हो क्या वो लोग हैं, उनको सामने तुम लोग लाओ। मैं जानता हूँ वो कौन है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग सामने लाओगे तो खुशी।
बहुत से लोगों के लिए गलत भी सोच रहा था, लेकिन मैं अब समझता जा रहा हूँ साजिश की कुछ और कौन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। जानता हूँ कि कौन मेरा यार है, कौन मेरा यार है और कौन यार के रूप में गद्दार है। गद्दार कौन है? अच्छी तरह से जानता हूं मैं। लेकिन तुम लोग भी तो मेरा साथ दो, तुम लोग मेरे यार हो ना, तो बताओ, मेरी तहकीकात मत करो, मेरी छानबीन मत करो। शेरल तुम्हारे सामने वैसा ही है जैसा हमेशा था, उनको पकड़ो, उनके लिए छानबीन करो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब तो कुछ काम दिखाओ। अब मेरे जहन से तमाम गलतफहमियां दूर होने लगी हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे अपने हैं, वो गद्दार नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे अपने होकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसके कहने पर तुम भी जानते हो, सब जानते हैं। खुल जाओ, बताओ मुझे, रहनुमाई करो मेरी, क्या तुम भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं यार, मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचता हूं यार, तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना, मेरा साथ तुम्हें देना चाहिए। कालिया, तुम तो सारी बात जानते हो, मेरे दिल से घुसे हुए हो, तुम सब मेरे दिल की बातों को समझते हो, तो इनको बताओ, ये जो तहकीक कर रहे हैं, जो मेरे पीछे छानबीन कर रहे हैं, इनको बताओ कि मैं कौन हूं। क्या इनको बताने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब इनको भी मेरा साथ देना चाहिए। बताओ कौन है वो, उनसे उनको पकड़ो कि कौन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन मुझे एबनॉर्मल करार देकर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाह रहा है। बताओ यार, तुम समझो क्या मैं इसी तरह तुम पर बातें करता हूं? क्यों, तुम बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? जब मेरी बातें सही है तो तुमको भी तो खुलकर वाजे कर दे रहा हूं कि हाँ शीरल, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं और मैं खुद ही तुम पर वाजे कर दूंगा कि कौन है वो। लेकिन मैं जानता था कि तुम चाहता भी था कि तुम बताओ, बजाय मेरी तहकीक करने की उनकी तहकीक करो, घुसो, पकड़ो उनको। लेकिन तुम मेरे पीछे शायद लगे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं खुला हूं, बिल्कुल खुली किताब की तरह हूं। बस अब मैं चलने की कोशिश करूंगा। अब मेरी जितनी बातें तुमसे हो सकती थी हो गई। अब मैं सिर्फ इंतजार करूंगा कि कब तुम खुलकर मेरे सामने आते हो और सबके नाम एक एक करके बताते हो कि कौन इस साजिश में शामिल है, कौन मेरा अपना, मेरा गद्दार है। तुम जानते हो तुम, इस तरह मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, हो सकता है कि मुझसे गलतफहमी हो, लेकिन मेरे लिए जो नुकसान कर रहे हैं उनको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तुम भी तो बताओ, तुम्हारे पर भी मेरा हक है, मैं तुम पर हक रखता हूं, तो तुम क्यों नहीं बताते? बताओ, ये दिल तुम्हारी मोहब्बत से भरा हुआ है, ये मोहब्बत हमेशा रहेगी। मैं बहुत उम्मीद हूं एक दिन तुम सब मुझे बताओगे, तुम भी बताओगे कि कौन है वो, किसका हाथ है, कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है मुझे। तुम ही बताओगे सिद्दीकी, तुम भी बताओगे। मत छुपाओ, मत राज में रखो ये बातें, मेरा दिल डूब जाता है जब तुम इस तरह की बातें शुरू करते हो। सब जानते हुए भी तुम मुझे नहीं बताते, तो क्या तुम भी मुझे टॉर्चर देना चाहते हो? ऐसा ना करो, ऐसा
खुल जाओ खुदा के वास्ते, खुल जाओ, मेरा साथ दो, वाजे करो कि कौन है वो, वाजे करो मेरे दोस्त बनकर, मेरी दोस्ती की आड़ में कौन गद्दारी कर रहा है, तुम निशानदेही करो। लेकिन सोचो आज जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, कल वो तुम सबको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी जायदाद भी हड़प कर सकते हैं, तुम्हें भी एब नॉर्मल करार देकर पागल खाने में दाखिल कर सकते हैं। जब तुमको मेरी बात याद आएगी, तुमको मेरी बात याद आएगी, तुमको मेरी बात याद आएगी, तुम सबको मेरी बातें याद आएंगी, सब जानते होंगे, सब समझते होंगे कि मैंने जिंदगी में कोई बात गलत नहीं की, मैंने तुमसे बेलौस मोहब्बत की है, बेलौस इज्जत दी है, हर चीज तुम पर मैंने अपने कुर्बान की है। दोस्त तुम है, दोस्त के रूप में भाई हो, शायद तुम में से कोई वो भाई गद्दार नहीं है, ये मेरा ईमान है, ईमान है, ईमान है मेरा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुमसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूं, और ये मोहब्बत ही है जो अभी तुमको बिल्कुल दोस्त और भाई समझ रहा है। मैं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं, लेकिन डर रहता है कि शायद तुम में तो नहीं आ सकते जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाते। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को झूठा साबित कर दूंगा, नहीं होगा ऐसा, तुम में से कोई नहीं ऐसा, तुम मेरे अपने दोस्त हो, भाई हो मेरे, हमदर्द हो मेरे, मेरा फायदा सोचते हो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई लालच नहीं है, मेरा ईमान है। जब मेरे साथ तुम उठे बैठे हो, खाया पिया है, तो मैं जानता हूं कि तुम नस्ली इंसान, तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं होगी कि तुम मेरे दिल को ठेस पहुंचाओ, जानता हूं, लेकिन उन लोगों को सामने तो लेकर आओ, खुदा के वास्ते उन लोगों को सामने लेकर आओ, मत छुपाओ ये बातें, मत छुपाओ ये राज कि कौन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। जिस दिन मैंने खुलकर बता दिया, तो तुम सबके चेहरे फक हो जाएंगे कि कौन कौन मेरी इस गद्दारी में शामिल है, किस किस ने मुझे दुख दिया है, मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मुझे रुलाया है, मुझे तड़पाया है। अरे मेरी मोहब्बत का तुम गलत मतलब मत लो, मैं जानता हूं कि तुम सही हो, अच्छे हो। भाई आया भलो सब आया, शेर कान आया भलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम ते रचाया, कान भाई आया भाई जान आया भलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम ते रचाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। भाई जान हमारा हम जान से प्यारा, भाई जान हमारा हम जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हम जान से प्यारा, भाई जान हमारा हम जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। मुश्किल
मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो मुखलिस को भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भलो साहब आया, शेर का नहाया भाई जान आया। दिलदार हमारा रमजान बलोच का परसन, दिलदार हमारा हिम्मत का गरीब का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन, दिलदार हमारा हिम्मत का गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का नहाया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का नहाया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का नहाया भाई जान आया, शेर का नहाया हर दिल पे है छाया, शेर का नहाया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया।